जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए बताइए। बढ़िया। अवनीत कुमार कहते हैं, सर मेरा नाम लीजिए, मेरी वाली देख रही है। तो अवनीत कुमार, ले लिया आपका नाम, अब आपकी वाली भी खुश और आप भी खुश। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखो, आज की जो क्लास है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों का डिमांड था कि सर एडवांस मैथ से शुरू करिए, ठीक है। तो एडवांस मैथ से हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं, और इसके पहले जो है 3-4 दिनों की काफ़ी लंबी छुट्टी हो गई, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। थोड़ा घूमने निकले थे और थोड़ा मनाली ट्रिप जो था वो थोड़ा घूम घाम के आए हैं, लेकिन अब आप लोगों की क्लासेस रेगुलर वे में चलेगी। ठीक, जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के सभी हम रेगुलर वे में मैराथन लेकर कंप्लीट करेंगे। 60 दिनों में 16 मैराथन हो चुके हैं और बाकी 44 मैराथन्स बाकी हैं, जिनको हम प्रॉपर तरीके से डेली एक एक क्लासेस लेकर कंप्लीट करेंगे। हमारा अभी जो फोकस होगा वो होगा अलजेब्रा के टॉपिक पे। आज है अलजेब्रा का डे नंबर 1, और इस अलजेब्रा के डे नंबर 1 में सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा ईडी के पोस्ट के डिटेल के बारे में बताऊंगा, फिर मैं क्लासेस को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जब हम कंटेंट बनाने गए तो हमें दिखा कि यार ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है कि जिससे 4 नंबर पक्का हो जाएगा आपका, मतलब 2 सवाल कंफर्म इससे आते ही आते हैं। क्योंकि अगर मैंने अभी एनालाइज किया तो सीजीएल 2020 भी देखा, सीएचएसएल 2020 भी दिखा, सिलेक्शन फेज 9 भी दिखा, और सभी एग्जाम्स को जब मैंने देखा तो यहाँ पर इसमें से 2 सवाल जो है वो कन्फर्म आए ही आए थे। तो मुझे जो महसूस हुआ वो ये हुआ कि हम पोस्ट डिटेल को अगली क्लास में हम देख लेंगे, यानी अलजेब्रा के पार्ट 2 में देख लेंगे। आज की क्लास में पूरे 1.5 घंटे हम अपने 4 नंबर के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करेंगे खुद को, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरे के पूरे अगले 1.5 घंटे यानी 90 मिनट में आपको अलजेब्रा के मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपके 4 नंबर जो है वो कंफर्म होने वाले हैं। रह गई बात ईडी के पोस्ट डिटेल की, तो ईडी का जो पोस्ट डिटेल होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। मैंने सीबीआई के बारे में बता दिया है, इनकम टैक्स के बारे में बता दिया है, और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत पोस्ट हैं जो बाकी बचे मैराथन से हम थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है। पहले थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं सिलेबस पे, ठीक है भाई। चलो चिंता मत करो, यहाँ पर कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के सेशन को मिस करने की जरूरत नहीं है। आज से डेली रोज रात 8:30 बजे हमारी क्लास होगी, और डेली जो है मैराथन होगी, और आपको डेली लाइव रहना है। आज से कोई भी क्लासेस में मिस नहीं होगा। साथ में बात करते हैं ये मैराथन में, तो आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है। जो इस मैराथन की पहली क्लास है उसकी व्यूज़ 80,000 से ऊपर जा चुका है, मतलब पूरे भारत में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इस मैराथन में मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ सभी के सभी टॉपिक्स। जैसे सबसे पहला टॉपिक था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको 80,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। उसके बाद दूसरा हम बात करें तो मॉक टेस्ट हो गया, तीसरा बात करें तो लेटेस्ट क्वेश्चंस हो गए जो टीसीएस ने पूछे हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया और बाकी अदर एग्जाम्स हो गए, ठीक है, उसके लिए सबसे रेलिवेंट क्वेश्चंस हमारे पास होने चाहिए। हमें इरेलीवेंट नहीं जाना, हमें बहुत हाई भी नहीं पढ़ना, बहुत लो भी नहीं पढ़ना, हमें रेलिवेंट पढ़ना है, जो हमारे लिए बहुत रेलिवेंट हो। हम 10 सवाल पढ़ के जाएं, उसमें से हमारे 8 सवाल आ जाएं, हमारे लिए वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये 60 दिन 60 मैराथन में मैं आपको वहीं करवा रहा हूँ। इसके अलावा हमारा टाइम सेविंग कंसेप्ट भी हो, जो हमारे समय को काफ़ी ज़्यादा बचा सके पेपर में। क्योंकि अभी आपने देखा है कि मेंस का आंसर किया है, और मेंस में जो एवरेज स्कोर रहा है बच्चों का 160, 150, 140, यही एवरेज स्कोर रहा है। बहुत अच्छे जो स्टूडेंट हैं उनके 160 170 गए हैं। तो हमें अपने टाइम को बचाना है ताकि हम जो है बहुत अच्छा अपने प्री के पेपर में परफॉर्म कर सकें, और 50 में 50 लेकर आ सकें, और लिमिटेड टाइम के अंदर लेकर आ सकें। तो ये वीडियो आपको स्मार्ट अप्रोच भी सिखाएगा। साथ में यहाँ पर सभी लेवल्स पे भी क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ एक एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इससे एमटीएस वाले स्टूडेंट का भी बेनिफिट होगा, सीपीओ वालों का भी बेनिफिट होगा, और सीजीएल सीएचएसएल के लिए तो स्पेशल है ही है, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो एक हमेशा से मेरी फेवरेट कोट जो रही है, मैं हमेशा से कहता हूँ इस बात को कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। ये बात हमेशा लिख कर रख लेना अपने टेबल पे जिंदगी में। इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेशन दी है, और आपको भी मोटिवेशन देगा यकीनन इस बात को समझना, ठीक है, कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाके दिखा। जो भी आपने सोचा है, इनकम टैक्स सोचा है, ईडी सोचा है, नार्कोटिक सोचा है, सीबीआई सोचा है, अगर आप में दम है तो आप उसको पाकर दिखाइए, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी,
लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के देखा। बहुत बच्चे नाराज होते हैं, बहुत बच्चे दुखी होते हैं अंदर से, सर किस्मत साथ नहीं दे रही है, मेहनत तो कर रहे हैं। अरे भाई इतनी मेहनत कर दो ना कि किस्मत भी आपके सामने झुक जाए बस। तो 60 दिन 60 मैराथन भरेंगे एक नया जोश, ठीक है, एक नए उमंग के साथ, नए तरीके से। एडवांस मैथ आज मैं शुरू करने वाला हूँ। पहला होगा अलजेब्रा का क्लास नंबर 1। उसके पहले वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हर जगह पे शेयर कर दीजिए। साथ में वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी बात हम आपको और बताना चाहेंगे। दो इन्फॉर्मेशन है। पहला, जो भाई सीजल 19 का पेपर दे चुके थे और जिनका आज रिजल्ट आने वाला था, जिसमें खुद हमारा भी आता, ठीक है, कि हमें कौन सा पोस्ट मिलता, इनकम टैक्स होता या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर होता, जो भी पोस्ट हमें मिलता, तो वो रिजल्ट अब आएगा आपका 21 फरवरी को, ठीक है। और 21 फरवरी को अभी जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट आए, 21 फरवरी में वो कोर्ट केस पेंडिंग चल रहा है और धीरे 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 जैसे भी अगर उसका पूरा का पूरा मामला सुलझता है तो वो रिजल्ट आएगा, ठीक। लेकिन हमें उसके बारे में फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है अपने आने वाले पेपर को लेकर। एसएससी अभी टाइम पर सभी पेपर को ले रही है और अगर टाइम पर पेपर कंडक्ट करा रही है तो आप कोशिश करिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो, ठीक। और सिर्फ एक चैप्टर के लिए जो है आप, या एक सब्जेक्ट पे ज्यादा कंसेंट्रिक ना रहें। आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको जीएस भी पढ़ना है, सभी के सेक्शनल मॉक साथ में लगाते चलो। और जो मेरी मॉक टेस्ट वाली बात थी जो मैंने कही थी कि मैं पूरे भारत में एक ऐसा मुहिम लेकर आना चाहता हूं कि आप 2 महीने या सॉरी 10 दिन पहले या 20 दिन पहले मॉक टेस्ट ना दें, बल्कि कम से कम 2-3 महीने पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें और 2-3 महीने पहले से ही आप मॉक टेस्ट में लग जाएं, तो वो काम आप अभी से शुरू करेंगे। आपको जिसकी कसम खानी उसकी कसम खाओ, लेकिन संडे से, इसी संडे से, हर संडे आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ये आप अपने अपने प्रण ले लो, तभी आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे। क्योंकि एक पेपर नहीं, मैंने एसएससी के हर पेपर को क्रैक किया है और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैंने दिल्ली पुलिस निकाला, सीएचएसएल निकाला, सीजीएल निकाला और भी बहुत सारे पेपर निकाले, सब में मेरे अच्छे अच्छे रैंक भी है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 50 से 49 भी मैं लेकर आया हूं। मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50। तो उसी दम पर मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट ही आपके स्कोर को सुधार सकता है। आप पढ़ कितना भी लीजिए, किसी के सीरीज को कितना भी देख लीजिए, किसी भी किताब को कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी। संडे को मॉक टेस्ट आप नहीं छोड़ेंगे, ये आप खुद से प्रॉमिस करिए, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना बात को। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, जल्दी से जो है हर जगह पे शेयर कर दो। आप लोगों के लिए पूरा कंपाइलेशन हम लेकर आए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सीजल 10 जून का क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद जितने भी सीजल हो गए, सीएचएसएल हो गए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी बेहतरीन कंसेप्ट हैं जिसपे हमारे सवाल आए हैं, उन सभी सवालों को हम लगाने वाले हैं। क्योंकि 4 नंबर क्या करने हैं, आज के सेशन से पक्के करके जाने हैं। आज के सेशन से कुछ भी हो जाए तो हमें क्या करना है, 4 नंबर पक्के करके जाना है। और इस मैराथन में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में गए तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे जिस तरीके से हम सिलेबस को कवर अप करना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिससे पेपर में एकदम श्योर शॉर्ट सवाल आने ही आने हैं, हमको कवर अप करें, ठीक। कि यदि हमारा सवाल जो है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाला टर्म और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाला टर्म, आपके पेपर में सर इससे 2 नंबर का सवाल फिक्स है आएगा, ये बात आप कंफर्म लिखवा लीजिए, ठीक है। एक सवाल इन दोनों में से किसी एक के कंसेप्ट पर आना ही आना है। अब इस कंसेप्ट के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। इस कंसेप्ट पे क्या क्या सवाल पूछा जाता है, देखिए हमसे कहा जाता है कि यदि आपका x प्लस वन अपॉन एक्स एन है, जो मैं लिख रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, और अभी जो बोर्ड पर लिख रहे हैं उससे एक सवाल कन्फर्म है आपका, ठीक है। तो यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n है, तो सबसे पहला टाइप आप ध्यान रखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे सर n का स्क्वायर -2, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे सर यहां पर n का क्यूब -3n, n का क्यूब -3n। ये कहां से आया, कैसे आया, उतना प्रूफ आपको डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है, आपको बस यहां पर प्रूफ से याद रखने हैं, ठीक है। अब अगर मानो यहां पर पावर 2 है, तो पावर 2 जो है, पावर 2 का आप डबल करोगे तो क्या मिलेगा, पावर 4 मिलेगा। पावर 2 का डबल करोगे तो क्या मिलेगा, पावर 4 मिलेगा। और जब भी पावर को आप डबल करते हैं, तो जिसका आपने डबल किया है उसके स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, यानी एन स्क्वायर -2 के वोल स्क्वायर में से क्या कर दीजिए, 2 घटा दीजिए, ठीक है। आपको सवालों के माध्यम से पूरा रटवा देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप बस अभी देखते चलो। तो पावर 2 का याद हो गया, पावर 3 का याद हो गया, पावर 4 का याद हो गया।
अब बात करते हैं यहां पर पावर फाइव को लेकर कि पावर फाइव अगर हमसे पूछ दे, यानी अगर हमें पावर वन देकर पावर फाइव पूछ दे तो हम कैसे बताएंगे। तो पावर फाइव की अगर वैल्यू बतानी है ना, तो दो वाले को तीन वाले के साथ गुना करके एक घटा देना होता है। दो वाले को तीन वाले के साथ गुना करके घटा देना होता है। दो वाले की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर एन स्क्वायर माइनस टू। तीन वाले की वैल्यू कितनी होती है, एन क्यू माइनस तीन एन। और इसमें से कितना घटा दोगे, एक घटा दोगे। क्लियर है ये बात आपको, ठीक। और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका पावर छः। पावर छः आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो पावर छः कैसे बताएंगे। पावर एक की वैल्यू एन देकर पावर छः पूछेगा तो कैसे बताएंगे, सर पावर छः जो है ना वो आप देखो तो तीन वाले का डबल है। और जब भी पावर अपने आप का डबल होता है तो ये जिस भी संख्या का डबल होता है ना उसके स्क्वायर में से दो घटा देते हैं, यानी एन क्यूब माइनस तीन एन इसके स्क्वायर में से क्या कर देंगे, दो घटा देंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही जो है आपका इंपॉर्टेंट टाइप है। पावर एक देकर इसमें से कोई भी एक वैल्यू पूछी जा सकती है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, ठीक। फिर इसके ऊपर के हम सवालों को लगाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए, जल्दी से छोड़ने नहीं है सवाल, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है, सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझे बताओ, यदि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू हमारी चार है, ठीक है, तो आप मुझे सबसे पहला सवाल बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए मेरे भाई, हर स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, तभी आज समझेंगे कि आप चार नंबर अपने घर लेकर जा रहे हो। आपने प्रिपेयर अपने आप को कर लिया है चार नंबर के लिए और चार नंबर आपके कहीं नहीं गए। आंसर बताइए, चलिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू चार है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा बता दो। चलो बहुत ही सिंपल, बोलोगे सर देखो पावर हो गया डबल, और जब पावर डबल होता है ना तो पिछले वाले के स्क्वायर में से दो घटा देते हैं। ये वन का डबल है, वन का डबल है तो क्या करेंगे, चार के स्क्वायर में से क्या कर देंगे, दो घटा देंगे। सोलह में से दो चला गया तो कितना आ जाएगा, चौदह आ जाएगा। सोलह में से दो गया तो कितना आ जाएगा, फोर्टीन आ जाएगा। बहुत शानदार मेरे भाई, क्या बात है, खतरनाक। अब आ जाओ मानो यहां पर, अब पावर दो का डबल क्या होता है, तो पावर दो का डबल पावर चार होता है। पावर दो का डबल क्या होता है, पावर चार होता है। अब दो का डबल हमें करना है तो हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको यह सिखाया कि जब आप किसी संख्या के पावर को डबल करते हैं तो पुरानी वाली संख्या के स्क्वायर में से दो घटा दीजिए। इसका आंसर बताइए कितना होगा, अगर हमें x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x का पावर 4 निकालना है कितना आएगा बता दीजिए। बोलेंगे सर ये दो का डबल है, तो जिसका भी ये डबल होगा ना उसके स्क्वायर में से दो घटा दो, यानी 14 के स्क्वायर में से दो घटा दो। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 196 में से दो चला जाएगा तो कितना आएगा, 194 आएगा। 194 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया मेरे भाई बात। तो एग्जाम में सवाल पावर एक देगा, पावर एक से पावर चार भी पूछ सकता है, पावर एक से पावर दो भी पूछ सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। पहले एक का डबल निकालेंगे फिर डबल का डबल निकालेंगे, इस तरीके से सवाल हम करेंगे, ठीक। एक और सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा, यदि, ठीक है, यदि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू कितनी है, सर तीन है। x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू तीन है तो बोला जाएगा बताओ x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताओ यहां पे। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा x का पावर 4 प्लस वन अपॉन x का पावर 4 कितना होगा बताओ, क्या बताओगे आंसर बताओ जल्दी से। अगर ये वैल्यू तीन है तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, और x क्यूब, ठीक है, x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x का पावर 4 कितना होगा। अगर मेरे कंसेप्ट पसंद आ रहे हैं आपको तो वीडियो को हर जगह पे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ सके और उनका भी फायदा हो सके। आप बोलेंगे सर कितना आसान काम है, पावर एक है और एक का डबल दो होता है, एक का डबल दो होता है तो कुछ नहीं करना, तीन के स्क्वायर में से क्या करना है, दो घटाना है। तीन का स्क्वायर नौ, नौ में से दो गया तो कितना आ जाएगा, सात आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सात आ जाएगा। उसी तरीके से पावर दो का डबल कौन है, पावर दो का डबल चार है। पावर दो का डबल कौन है, चार है, तो इसका डबल है ना, तो जिसका डबल है इसकी वैल्यू सात है, इसकी वैल्यू सात है और इसका डबल बताना है, यानी इसके स्क्वायर में से क्या कर दो, दो घटा दो। सात का स्क्वायर 49, 49 में से दो घटा दोगे कितना आएगा, 47 आएगा। अगर कल के दिन हमें बताइए यहां पर एक नया सवाल पूछ दे, पावर चार का डबल पूछ दे, पावर आठ पूछ दे, अब तक एसएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन अगर पावर आठ पूछ दे तो आप कैसे बताएंगे। आप बोलेंगे सर इससे आसान सवाल हो सकता है क्या, जब हमें एक से डबल करना था तो इसके स्क्वायर में से दो कम कर दिए, दो का डबल
चार करना था, तो इसके स्क्वायर में से दो कम कर दिए हैं। तो अब हमें चार का डबल आठ करना है, तो 47 के स्क्वायर में से क्या करेंगे, दो कम कर देंगे। बोलोगे सर 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 47 का स्क्वायर आपको निकालने नहीं आता है क्या, हमने आपको नहीं पढ़ाया है 47 का स्क्वायर निकालना। 47 50 से कितना कम है, बोलोगे सर 50 से तीन कम है, कितना कम है, तीन कम है, तो 25 में तीन कम कर दो, 25 में तीन कम करोगे तो आ जाएगा 22, और कितना कम किया है, तीन कम किया है, तो तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ होता है, यानी 09। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे 47 का स्क्वायर जो हो जाएगा 22 09 हो जाएगा, और 22 09 में से दो घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 22 07 इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिए पेपर में कहीं तक सवाल पूछा जा सकता है, एक का डबल, दो का डबल, चार का डबल, क्लियर है ये बात आपको, आंसर कितना आएगा 22 07 इज द करेक्ट आंसर। जब भी पावर दोस्त अपने आप का डबल करोगे तो पिछले वाले के स्क्वायर में से दो कम, पिछले वाले के स्क्वायर में से दो कम, पिछले वाले के स्क्वायर में से दो कम, ये गोल्डन कंसेप्ट है, याद रखना। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे। जैसे हमारा सवाल एक और पूछा गया, मानो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, तीन हो गई, तो हमसे बोला जाएगा पता करो आप यहां पर कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, क्या बताएंगे, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी पहले मुझे बताओ। बहुत अच्छे ट्रम भैया, ठीक है, लाल बादशाह, ऋतिक पाल, अनन्या दुबे, उत्वर्षी दिशका, सालू मिश्रा, कृष्णा, बहुत अच्छे भाई, हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहां जहां पर आप जुड़े हैं, जिस भी टेलीग्राम में जुड़े हैं, जहां पर भी व्हाट्सएप स्टेटस है, शेयर कर दीजिए ताकि हर वो बच्चा इस वीडियो को देख सके, ठीक है, जो सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है और उसको भरपूर लाभ मिले इस सेशन का, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो हमसे कहा गया है कि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू कितनी है, तीन है, x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब बताओ। याद कर लो मेरे भाई, फिक्स कर लो अपने दिमाग में कि जब x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू हमारी n होती है तो x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, n क्यूब माइनस 3n, कितना होता है, n क्यूब माइनस 3n होता है। n के स्थान पर कितना रखना है, n के स्थान पर 3 रखना है, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3 का क्यूब कितना होता है, तो बोलोगे 27, और 27 में से 9 गया तो आंसर कितना आएगा, 18 आएगा, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 18 होगा, करेक्ट आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो 18 होगा, बहुत शानदार। चलिए एक और सवाल बताइए जल्दी से, सवाल में बोला जाएगा यदि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। अगर x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू 4 है तो x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब कितना होगा, चार नंबर पक्के हो जाएंगे आज की क्लास से आप लोगों के, दिख रहा है, बहुत अच्छा, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, खतरनाक, ऐसे ही करते रहो, ठीक है, सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। आपने कहा सर देखिए इसकी वैल्यू 4 है और हमें पावर 3 चाहिए, यानी कुछ नहीं करना, 4 के क्यूब में से 4 का 3 गुना घटा देना है, 4 के क्यूब में से 4 का 3 गुना घटा देना है, 4 का क्यूब होता है 64, उसमें से 12 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 52 आ जाएगा, क्लियर है ये बात यहां पे, क्लियर है ये बात यहां पे। चलिए अब मेरा इसमें दूसरा सवाल आपसे, मेरा इसमें दूसरा सवाल आपसे, सेम सवाल जैसे इसका पार्ट नंबर बी, ठीक है, हमारा एग्जामिनर हमें कहता है यदि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू 3 है तो आप मुझे x का पावर 6 प्लस वन अपॉन x का पावर 6 बताओ, इसका वैल्यू कितना होगा, क्या बताओगे आंसर बताओ जल्दी से। यदि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू 3 है तो पावर 6 की वैल्यू पूछेगा, कैसे बताएंगे बताइए, पावर 6 की वैल्यू पूछेगा कैसे बताएंगे, चलिए आंसर आना चाहिए सभी का सही, क्या बात है, बहुत शानदार, सभी सही आंसर देंगे। अगर x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू 3 है तो पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, बहुत अच्छे। एक बच्चा कह रहा है कि सर 3 वाले का डबल है ये, 3 वाले का डबल होता है 6, यानी जब किसी संख्या के पावर का ये डबल होता है तो उसी के स्क्वायर में से दो कम कर देते हैं, क्या बात है, 3 का डबल 6, 3 का डबल 6 तो क्या करेंगे, 18 के स्क्वायर में से दो कम कर दीजिए, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 में से दो कम कर देंगे तो बोलेंगे सर 322 आ गया, कितना आ गया सर 322 आ गया, शानदार भैया, क्या बात है, सबके आंसर आ रहे यार, खतरनाक बच्चे हो आप लोग तो, ठीक है। उसी तरीके से बताओ यहां पर पावर 3 है, पावर 3 का डबल क्या होता है, पावर 6 होता है, अगर मुझे इस वाले सवाल में पावर 6 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे सर देखो अगर हमारा एग्जामिनर, जो कि प्रीवियस ईयर का सवाल है, इस बार के सीजल 2020 का x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू 4 थी, पावर 6 पूछा गया था, आप बोलोगे सर पावर 6 देखो ना, 6 किसका डबल होता है, 3 का डबल होता है, 3 वाले की वैल्यू पता है, हाँ सर पता है, कितनी वैल्यू है, 52 है, तो कुछ मत करो,
तीन वाले का स्क्वायर कर दो और उसमें से दो घटा दो, 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये 50 से कितना ज्यादा है? दो ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है? दो ज्यादा है। 25 में दो को जोड़ दो, 25 में दो जोड़ोगे तो बोलोगे सर 27 आएगा, और कितना ज्यादा था? दो ज्यादा था ना, तो दो का स्क्वायर होता है 4, 27 0 4 में से दो कम कर देंगे, बोलेंगे सर 27 0 2 हमारा आंसर है, ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कितना आंसर हो गया मेरे भाई? 27 0 2, सभी के सही आंसर है, क्या बात है, सभी जबरदस्त। ठीक है, तो चलो जरा आ जाओ अपने सवालों पे। ये सवाल आपके सामने एक है जहां पर हमने पावर वन से लेकर, ठीक है, ये सवाल हम आपको करवाएंगे। सबसे पहले आप इस सवाल को देखो, सीजीएल 10 जून 2019 को पूछा गया सवाल है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रूट फाइव है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हमसे पूछी है, आंसर बताइए। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सबके मैराथन के माध्यम से हम सभी सवालों का आपका प्रैक्टिस करवाएंगे, 4 नंबर आज के वीडियो से पक्के करने हैं, कसम खा लीजिए करने हैं तो करने हैं। आंसर बताइए, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रूट फाइव है तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? अभी आपने कहा कि सब जब पावर तीन गुना होता है, ठीक है, याद रखेंगे, बस दो ही चीजें दोस्त मेरे याद रखनी है। याद रखो, जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एन होता है ना, जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एन होता है तो बस आप एक बार पावर दो का वैल्यू याद कर लो। पावर दो का वैल्यू क्या होता है? इसी के स्क्वायर में से दो कम, ठीक है, और फिर उसके बाद पावर तीन याद कर लो। पावर तीन कितना होता है दोस्त? तो पावर तीन होता है इसी के क्यूब में से इसका तीन गुना कम। बस पावर दो में से पावर चार निकाल दोगे, पावर छह में से पावर सॉरी पावर तीन से पावर छह निकाल दोगे, तो बस ये दो पॉइंट याद रखो। उसके बाद दो का इस्तेमाल करके चार भी निकाल लोगे, आठ भी निकाल लोगे, और तीन का इस्तेमाल करके छह, और इस तरीके से करते करते आगे चले जाओगे। तो याद रखना है, जब इसकी वैल्यू एन होती है तो एन स्क्वायर माइनस टू और एन क्यूब माइनस तीन एन। हमसे कहा गया इसकी वैल्यू कितनी है? रूट फाइव है, तो आप बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? बताओ जल्दी से, क्या बोलोगे? बोलोगे सर इससे आसान सवाल हो सकता है? बताइए, इसका वैल्यू रूट फाइव है और हमसे एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू पूछा है। अब यहां पर अगर हम इसके वैल्यू को एन मानते हैं तो ये जो पूछा गया इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एन क्यूब माइनस तीन एन। कितना हो जाएगा? एन क्यूब माइनस तीन एन। समझ में आ गया बात यहां पर? ठीक, एन की वैल्यू रूट फाइव है तो रूट फाइव का क्यूब, रूट फाइव का क्यूब, रूट फाइव का क्यूब कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 5 रूट 5 माइनस 3 इंटू रूट 5। ठीक है, तो 5 रूट 5 में से 3 रूट 5 गया, कितना आंसर आ जाएगा? 2 रूट 5। एक सेकंड में टिक करिए, आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5 रूट 5 में से 3 रूट 5 चला गया, कितना आएगा आंसर? 2 रूट 5 आएगा। क्लियर है, जब इसकी वैल्यू एन होती है तो इसकी वैल्यू एन क्यूब माइनस तीन एन, एन के स्थान पर रूट पांच रखेंगे, रूट पांच का क्यूब में से 3 रूट 5 घटा देंगे आंसर। अगला सवाल सेम तरीके से आपके पेपर में 10 जून 2019 को आफ्टरनून में पूछा गया। क्या पूछा गया? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू तीन है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा? गोल्डन ये डेटा है, जब इसका आंसर यहां, जब ये तीन दिया गया रहता है ना, फिक्स कर लो, रट लो, यहां पर आंसर 18 आता है, फिक्स है। ये पिछले कई सालों से ये सवाल पूछा जा रहा है और एसएससी के हर पेपर में ये सवाल पूछा गया। ठीक है, जब यहां पर ये तीन होता है यानी इसकी वैल्यू n होती है तो x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? n क्यूब माइनस तीन n। जहां पर हमने कहा n की वैल्यू कितनी है तो 3 का क्यूब माइनस 3 n। ठीक है, 3 का क्यूब 27 27 में से 9 गया 18 आएगा, 18 फिक्स आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 1000 प्लस लाइव करिए तुरंत, आप लोग जल्दी से टारगेट है आप लोगों का 1000 प्लस लाइव करने को। एक से एक नए सवाल लेकर आए हैं, ठीक है, जितने पेपर में पूछे गए हैं आज के अगले 90 मिनट में पूरा टाइप आपका कवर अप करवाने वाले हैं। बस आपको इतना करना है कि आपको अपने प्यारे से व्हाट्सएप पे प्यारे से फोटो के नीचे अपना स्टेटस लगा देना है ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। अगर हम इतनी मेहनत करके आपके लिए आए हैं तो आपको भी बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को हर जगह पे शेयर करना है, करते रहिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट सवाल देखिए, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू रूट छह है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, कैसे बताएंगे? बताइए जल्दी से, कैसे बताएंगे? क्या आपको दिख रहा है कि पहले इसका स्क्वायर किया गया होगा फिर उसका स्क्वायर किया होगा तो ये वैल्यू आया होगा? बताइए जल्दी से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कितना आसान है बताओ यहां पे। आप बोलोगे सर देखो कितना आसान है, इस सवाल को बनाने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमारा मुन्ना भी बता दे ये सवाल का आंसर क्या होगा। कैसे बताएगा? देखो सिंपल सा सवाल है, देखो आपका एग्जामिनर आपको रूट देकर कंफ्यूज कर रहा है, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है,
कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आंसर बताएंगे। बोलेंगे सर देखिए यहां पे रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू, ठीक है, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, तो रूट छह है। अगर हम यहां पर स्क्वायर करेंगे, अगर हम यहां पर स्क्वायर करेंगे या फिर यू कह लो पावर डबल करेंगे, तो रूट का स्क्वायर एक्स हो जाता है, रूट का स्क्वायर एक्स हो जाता है। और अगर हम इस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसी के स्क्वायर में से दो कम करना है, तो रूट सिक्स के स्क्वायर में से कितना कम कर देंगे, दो कम। रूट छह का स्क्वायर छह, छह में से दो कम कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। यानी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, चार आ गई दोस्तों। अब यहां पर जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू चार आ गई, लेकिन हमें तो x प्लस वन अपॉन एक्स नहीं पता करना, हमें x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पता करना है। यानी फिर से इसका पावर डबल करो, जब इसका पावर डबल करोगे वापस से, पावर एक का डबल पावर दो होता है, तो इस संख्या के स्क्वायर में से क्या करोगे, दो घटा दोगे। चार का स्क्वायर सोलह, सोलह में से दो गया तो कितना आएगा, चौदह आएगा। इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप पावर डबल करते जाएंगे तो पुराने वाले संख्या के स्क्वायर में से दो कम, ठीक। और इसके अलावा एक और आपको शॉर्ट ट्रिक देते हैं, मात्र एक सेकेंड वाला, मात्र एक सेकेंड वाला ट्रिक मेरे भाई, मात्र एक सेकंड वाला ट्रिक। आपका एग्जामिनर जब भी यहां पावर दो पूछे या जब भी यहां पावर चार पूछे, वही ऑप्शन आंसर होता है जिसमें दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा थोड़ा कान खोल के, जब भी आपका एग्जामिनर पावर दो पूछे या फिर पावर चार पूछे, तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे आप यहां पर देखो, आप इस सवाल में देखोगे तो यहां पर एक जगह पावर, ठीक है, आगे दिखाएंगे आपको, वही ऑप्शन आंसर होगा जहां पर दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। जैसे इस वाले सवाल में देखोगे ना, एक सेकंड रुक जाओ, जैसे इस वाले सवाल में देखो तो क्या, यहां पर समझो मेरी बात को, 36 में दो जोड़ने पर 38 आ रहा है, क्या 38 परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं है। 16 में दो जोड़ने पर 18 आ रहा है, 18 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 14 में दो जोड़ोगे तो 16 आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और 62 में दो जोड़ोगे तो 64 आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। यानी इसमें से दो में से किसी एक आंसर हो सकता है, बट ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली ऐसा आपको पेपर में आता है कि कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने आपको मेथड भी बता दिया और वो भी तरीका बता दिया। जैसे आप इस वाले सवाल को देखिए, ये वाला सवाल आपके लिए बच्चों का खेल है। सवाल में रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू दो रूट दो दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है। पेपर कौन सा है, 12 जून 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट है, है यहां पे आपके सामने ऑप्शन है। मैंने क्या कहा, मात्र एक सेकंड वाला कंसेप्ट लगाओ, मात्र एक सेकंड वाला कंसेप्ट। और वो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन में दो जोड़ के देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बना रहा है। आपने 34 में दो जोड़ा, आ गया आपका 36, क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलेंगे हां सर 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आप 36 में दो जोड़िए, 38 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 64 में आप दो को जोड़िए, 64 में दो जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 66 आ रहा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 32 में दो जोड़ोगे 34, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो बिना सवाल को हल किए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा वही हमारा आंसर होगा। जब भी पावर दो या पावर चार पूछे यही काम करना है, दो जोड़ के और बता देना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर कायदे से हल करना चाहते हैं, ठीक है, मेथड से हल करना चाहते हैं, तो हमने आपको अभी बताया था कि रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, आपको एक से एक नई बात मैं इस सीरीज में बताने वाला हूं आज के वीडियो में, जो आपने सीखा तक नहीं होगा, जाना तक नहीं होगा, जो आपको बहुत मदद करेगा, आपको जीरो से हीरो बनाने में बहुत मदद करने वाला है। और इसी तरीके से मैं नहीं कहता टारगेट 50 में 50 मेरे भाई आएंगे, आप नए कंसेप्ट सीखोगे तो आएंगे। मैथ से प्यार ना करा दिया ना तो फिर कहना 60 दिन 60 मैराथन के माध्यम से चलो आ जाओ जल्दी से। अब इस सवाल को जरा मेथड से हल करो, ठीक है। टपोरी वाले काम तो कर लिए हम लोगों ने, टपोरी वाला काम कौन सा होता है, मात्र एक सेकंड वाला, ठीक है, क्योंकि वो भी सिखाना जरूरी है, नहीं तो बोलोगे सर वो गुरुजी तो बता दिया, आप बताए ही नहीं, ठीक है। लेकिन असल में अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो ना, तो आपको आपको कंसेप्ट भी आना जरूरी है। कंसेप्ट क्या होता है वो समझिए। आप बोलेंगे सर रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, तो दो रूट दो है। हम क्या करते हैं, जब पावर को डबल करते हैं, यानी रूट का डबल क्या होता है, वन हो जाता है, और यहां पर इसका वन हो जाता है, तो इस संख्या के स्क्वायर में से दो घटा देंगे। दो रूट दो का स्क्वायर क्या होता है, दो रूट दो का स्क्वायर आठ होता है, और आठ में से दो घटा देंगे यानी कितना आ जाएगा, छह। अब वापस से जब पावर एक से पावर दो पर जाओगे, वापस से अब पावर को क्या करोगे, डबल करोगे। अब जब पावर डबल करोगे ना, फिर से क्या करोगे, इस संख्या के स्क्वायर में से दो कम कर दोगे। छह का स्क्वायर 36 में से दो गया तो 34 आएगा। तो इस तरीके से भी आंसर क्या दे सकते हो, 34 दे सकते हो। 34 इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। तरीके एक नहीं, तरीके बहुत होंगे, आप जो बोलोगे उस तरीके से बताएंगे।
अगला सवाल देखिए, सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा ना, अब आपका एग्जामिनर ये करेगा, सीधे सीधे सवाल आपसे नहीं पूछेगा, वो आपको डायरेक्ट वे में बोलेगा ही नहीं कि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू इतनी है तो तुम इतना बताओ। वो कुछ ऐसा इक्वेशन के फॉर्म में दे देगा और इक्वेशन के फॉर्म में देके आपसे वैल्यू पूछेगा। जैसे आपके एग्जामिनर ने ये कह दिया कि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू 8 है और उसने कहा कि आप इसकी वैल्यू पता करिए। अब आपको सोचना पड़ेगा यार ये कैसे करें, कुछ नहीं करना होता है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना होता। आप यहां पर देखो ऊपर ये x अकेला बैठा हुआ है, या तो किसी और के साथ इसका सिंगल मिंगल हो जाए, ठीक है फरवरी का महीना है ऐसे भी मिंगल कर ले किसी के साथ, और नहीं मिंगल करेगा तो बोलेगा x अकेला तू लेकर क्या करेगा, दान कर दे, यानी ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दो। जब आप इस संख्या में ऊपर और नीचे x से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला वैल्यू 5 बन जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग लगाओगे तो ये एक्स बन जाएगा, वन में एक्स का भाग लगाओगे तो वन अपॉन एक्स बन जाएगा यहां पर, और सिक्स एक्स में छह का एक्स का भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा 6। अब आप मेरी बात को समझे, यहां पे जरा देखो तो यहां पर इसका मेकअप करके हमने इसका जो है ठीक है क्या हाल बना दिया। हमने ये, हमारा एग्जामिनर हमें ये दिया था और हमें बस छोटा सा कंसेप्ट लगाना था, ऊपर नीचे एक्स को डिवाइड करके ये वैल्यू इसमें बन गई। और एग्जामिनर खुद कह रहा है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी ले लो, 8 ले लो और इसकी वैल्यू बताओ। अब बताओ कोई बच्चा भी ना बता दे ये वैल्यू, बोलेगा सर 5 के जगह पर कितना रखिए, 5 रखिए। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है और माइनस करना है 6, यानी 5/2, और 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आओ कभी पे। समझ में आ गया बात, बहुत प्यारा सवाल यहां पे, समझ रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको एक डायरेक्ट वैल्यू देकर डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाएगी, बहुत बार ऐसा हो सकता है डायरेक्ट वैल्यू देकर इक्वेशन पूछ दिया जाए या इक्वेशन देकर डायरेक्ट वैल्यू पूछ दिया जाए। तो आपको अरेंजमेंट आना चाहिए, अरेंजमेंट कैसे, जैसे यहां पर मुझे दिखा कि अगर मैं एक्स से भाग कर दूं तो यह ऐसा फॉर्म बन जाएगा और फिर वहां मैं वैल्यू रखकर निकाल सकता हूं। आप इस बात को एक और कंसेप्ट समझो, रटना नहीं है मेरे भाई, रटोगे तो पेपर में हालत खराब हो जाएगी। मेरा वो स्टूडेंट हमेशा टॉप करता है पेपर में जो रटकर नहीं जाता, जो कंसेप्ट सीखता है। आपको भी वही काम करना है, सेम काम सोचो यहां पे। अब अगर मानो क्या जरूरी है कि यहां पर x से ही डिवाइड करें, क्या ऐसा हो सकता है कि x स्क्वायर से भी डिवाइड करना पड़ जाए, तो बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि x क्यूब से डिवाइड करना पड़ जाए, तो बिल्कुल। यानी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हमारे बन सकते हैं, तो जितने पॉसिबिलिटीज बनते हैं हम सब सवालों को करेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे जाए, ठीक है। बहुत शानदार भाई, धन्यवाद आप सभी को, 1000 प्लस लाइव आप लोगों ने कर दिया, ठीक है। शेयर करते रहिए, दबा के वीडियो को शेयर करिए हर जगह पे, हर जगह भौकाल होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और हर जगह पर हमारे कंसेप्ट पहुंचने चाहिए ताकि सभी का बेनिफिट हो। जैसे एक और सवाल सीएचएसएल का आपके लिए आया जो आपके पेपर में इस बार आ रहा है। सवाल में फिर से डायरेक्ट वैल्यू दिया गया है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 5, और फिर से एक इक्वेशन दिया गया और बोला गया इस इक्वेशन का मान बताओ। हमने क्या कहा, हमने आपसे यही बात तो कहा कि आपका डायरेक्ट वैल्यू देकर इक्वेशन पूछेगा, कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना। आप यहां पर देखो तो आप बोलोगे सर बैलेंस करना है, 4 इसके पास है, 2 इसके पास है, कुछ ऐसा कर दें कि दोनों के पास बराबर हो जाए। तो बोलेंगे क्या करोगे, बोलो सर इनका औसत निकाल दो, 4 और 2 का औसत 6 होता है, यानी इसको भी पावर 3 बना दो, इसको भी पावर 3 बना दो। पावर 3 कैसे बनाएंगे, तो ऊपर और नीचे x से डिवाइड करके, या फिर अगर उतनी बुद्धि ना खुले तो जब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो ऊपर नीचे x से डिवाइड करना होता है, बात खत्म। जब आप इस संख्या में x का भाग लगाएंगे तो पावर 4 में x का भाग लगाएंगे तो यह बन जाएगा पावर 3, ठीक है। 1 अपॉन x स्क्वायर में जब x का भाग लगाओगे ना तो वो x इसके साथ गुना हो जाएगा, ना कि भाग होगा। मेरी बात को समझना, दो बातें होती हैं, अगर हम x स्क्वायर में x का भाग लगाएं तो ये पावर को कम कर देगा, यानी 2 को 1 बना देगा, लेकिन अगर 1 अपॉन x स्क्वायर में हम x का भाग लगा रहे हैं तो ये इसके साथ गुना हो जाता है, यानी 2 को 3 बना देता है। तो बट्टे वाले को जब भाग किया जाता है तो वो पावर को बढ़ा देता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक। तो सेम तरीके से हमने कहा यहां पर कि सर देखो पावर 4 में x का भाग लगाया तो पावर 3 बन गया, 1 अपॉन x स्क्वायर में भाग लगाया तो 1 अपॉन x क्यूब बन गया, ठीक है। डिवाइड करेंगे, इसमें x का भाग लगाओ, x स्क्वायर में भाग लगाओगे x आएगा, 3x में भाग लगाओगे माइनस 3 आएगा, और 1 में भाग लगाओगे 1 अपॉन x आएगा। आपको क्या करना है सर, आप देखिए x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू दी है और x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू पता करनी है। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो जब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 5 होती है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, तो n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n,
ठीक है। और x प्लस वन अपॉन x, x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, और कितना है तो माइनस 3 है। बताइए आंसर, बताइए 5 का क्यूब कितना होगा, 125, 125 में से 15 गया कितना आएगा, तो 125 में से 15 गया तो 110 आएगा, 5 में से 3 गया कितना आएगा, 2 आएगा, काटेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 55 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यही बनना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया बात, बहुत बार मैंने कहा ना कि डायरेक्ट रिलेशन ना देकर इनडायरेक्ट देगा, आपको ध्यान रखना है x से डिवाइड करके, ठीक है, x से डिवाइड किया तो 3 और 3 बन गया, जब पावर 1 दिया था तो पावर 3 निकालना सिखाया वीडियो के शुरू में, जिन्होंने वीडियो को शुरू से नहीं देखा है बाद में वीडियो को शुरू से जरूर देखेंगे, ठीक है। और साथ में इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, हमारे दोनों ऑफिशियल टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों पर इसकी पीडीएफ डल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। आ जाइए अगला सवाल देखिए, सीजीएल का पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 4 दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, आंसर बताओ। पूरा प्रीवियस ईयर लपेट देंगे आज, 4 नंबर बोला ना पक्के करने हैं तो करने हैं, आंसर बताते चलिए, ठीक। आप बोलेंगे सर देखिए रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स है, रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है तो 4 है, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x, रूट एक्स वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, और जब हम स्क्वायर करते हैं, जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसके स्क्वायर में से क्या कर देते हैं, 2 कम कर देते हैं, यानी 4 का स्क्वायर में से 2 कम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस से हम क्या करते हैं, फिर अगर हमें इसका स्क्वायर करना है तो x का स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा इतना, फिर उस केस में क्या करेंगे, फिर से 14 के स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे, यानी 196 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अब यहीं पर गड़बड़ होगा, यहीं पर एक बच्चा गड़बड़ करेगा, जो गड़बड़ हमने कर दी वही गड़बड़ आप भी करेंगे, हम जानते थे, और यही गड़बड़ आपसे होगा और पेपर में आपका चला जाएगा 2.5 नंबर, और 2.5 नंबर क्या जाएगा आप वो समझो यहां पे, ठीक है। देखो भाई यहां पर आपका ये माइनस का है, यहां पर ये जो वैल्यू है ना ये माइनस में दी गई है, और माइनस से आपको जाना है प्लस में, आप छोटे से बात को समझना, ठीक है। और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर डाला है कि आपको एक नया कंसेप्ट यहां बता सके, ताकि आप परीक्षा में गलती ना करें। यह सवाल पेपर में लगातार 2 दिन आया था, 10 जून 2019 को आया था, और फिर वापस से 10 जून 2019 को इवनिंग के शिफ्ट में आया था, फिर 11 जून 2019 को आया था, ठीक है। और बहुत बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। जब आप यहां पर दोनों साइड क्या करेंगे, आप समझिए, जब आप दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस 2 इंटू ए के जगह पर कितना हो जाएगा तो रूट एक्स, और बी के जगह पर हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब यहां पर देखो तो बोलोगे सर x प्लस 1 अपॉन x, रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, ये 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 18, यानी यहां पर हमारा x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू 18 आएगा, ना कि 14 आएगा। 14 इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर माइनस है, ये माइनस 2 इधर जाकर एड हो जाएगा, यानी 16 में 2 जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा। अब जब हमें x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 18 आ गई तो हमें क्या पता करना था, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पता करना था, यानी जब हम पावर को डबल करते हैं तो इसके स्क्वायर में से क्या कर देते हैं, 2 कम। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, और 324 में से 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 322। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका हो गया मात्र 1 सेकंड वाला। मात्र 1 सेकंड वाला तरीका क्या बताया था, मात्र 1 सेकंड वाला तरीका हमने आपको यह बताया था कि आपका वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, क्योंकि जब भी पावर 2 पूछता है या पावर 4 पूछता है वही ऑप्शन आंसर होता है जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बने। 326 में 2 जोड़ते हो तो 328, क्या 328 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, बोलोगे नहीं सर। 256 में 2 जोड़ दो 258, क्या 258 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं सर। 192 में 2 जोड़ दो 194, क्या 194 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं सर। कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी बचा। तो एक तो तरीका यह हो गया जिससे हम इसको हल करके लेके आएंगे, और दूसरा तरीका हो गया मात्र 1 सेकंड वाला, वो कैसे, वही ऑप्शन आंसर होता है जिसमें 2 जोड़ने पर रूट आता है।
वही ऑप्शन आंसर होता है जिसमें दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर आता है। जैसे आप इस सवाल को देखो, वापस से इस सवाल को देखिए, आपके सामने वापस से सीजीएल 11 जून 2019 में पूछा गया। पिछला सवाल कब पूछा गया था? 10 जून को। यह किस में पूछा गया? 11 जून को। मुझे मतलब नहीं है कि क्या पूछा गया है, मुझे बस मतलब क्या दिया गया, मुझे मतलब है बस यहां पावर दो पूछा है। और जब भी पावर दो पूछता है ना मेरे भाई, तो वही ऑप्शन आंसर होता है जिसमें दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बने। 62 में दो जोड़ोगे तो आ जाएगा 64, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, यही आंसर है। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस फर्जी हैं, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस फर्जी हैं, बात खत्म। ठीक है, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं? फर्जी हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक, कि पावर दो पूछे तो दो जोड़कर बता दो परफेक्ट स्क्वायर कौन है। और अगर ऐसे नहीं करना है, बच्चों वाला मेथड करना है, तो फिर बैठकर सॉल्व करो, जो कि मैंने बताया था। ठीक, उसी तरीके से चलो एक और आ जाओ, एक और 10 जून का वापस से एक और सवाल पूछा गया। देखो यहां पर अब आपका इक्वेशन दिया गया है, इनडायरेक्ट फॉर्म दिया गया है और डायरेक्ट फॉर्म आपसे पूछा है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भूल जाओ कि क्या दिया है, बस आप ये देखो पूछा क्या है, पावर दो पूछा है। और जब भी पावर दो पूछता है तो वही ऑप्शन आंसर होता है जिसमें दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर है। ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हो नहीं सकता। इसमें दो जोड़ेंगे 733, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नहीं होगा। इसमें दो जोड़ोगे 729 परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। सीखा कुछ नया आपने या नहीं सीखा बताइए? मजा आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए। बहुत धाकड़ धाकड़ कंसेप्ट बताने वाले हैं, इसी तरीके से थंबनेल पे नहीं लिखा है, 4 नंबर पक्के पक्के करवाएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के सवालों से। मैं कहता हूं ना कि जादू सीखना है, ट्रिक सीखना है, कंसेप्ट सीखना है, कुछ भी सीखना है, प्रीवियस ईयर के सवालों पर सीखो, आलतू फालतू के सवालों पर मत सीखो जिसका पेपर के साथ कोई संबंध नहीं है। समझ में आ रहा है बात? जैसे शादी करनी है तो लड़की कहां ढूंढते हो? अपने भारत की ही ढूंढते हो ना, ऐसा तो नहीं युगांडा में रिश्ता भेजते हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि जर्मनी की लड़की ढूंढते हो, सेम कहानी है। अगर एसएससी का पेपर देना है तो एसएससी के ही पेपर पे ट्रिक लगाओ, एसएससी के ही पेपर पे कंसेप्ट सीखो जो सीजीएल में हुए, सीएचएसएल में हुए हैं, ना कि कैट के, जेट के और फलाना फलाना अंट संट सवालों पर। कोई काम नहीं आता, एक साल तैयारी करने के बाद बच्चा लास्ट में रोता है, ठीक है, वो काम मत करो। अब ये तो हमने सीख लिया ट्रिक के माध्यम से कि सर आंसर कौन सा होगा, मात्र 1 सेकंड वाला ट्रिक। लेकिन अगर हम कंसेप्ट से जाएं तो कंसेप्ट से कैसे समझेंगे? हमारे पास ये एक इक्वेशन है, और जब भी आपके सामने सर एक इक्वेशन देता है ना, कुछ नहीं करना। आप यहां पर देखिए 5 के साथ रूटेक्स लगा हुआ है, आप इसमें रूटेक्स का भाग लगा दीजिए। जब आप इसमें रूटेक्स से भाग लगाएंगे तो एक्स को जब आप रूटेक्स के साथ भाग लगाएंगे तो यहां रूटेक्स बचेगा। 5 रूटेक्स में रूटेक्स का भाग लगाएंगे तो √5 हो जाएगा। 1 में रूटेक्स का भाग लगाएंगे तो 1/√x बराबर कितना आ जाएगा? 0। वापस इसको अरेंज करके लिखेंगे तो बोलेंगे √x-1/√x की वैल्यू कितनी आएगी सर? तो 5 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है बताइए? बोलेंगे सर 5 है। कितनी है वैल्यू? 5 है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो √x का स्क्वायर x, 1/√x का स्क्वायर 1/x, -2ab का क्या बचेगा? -2, क्योंकि a और b तो आपस में खत्म खलास फिनिश कर देगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। यहां पर बोलोगे सर x +1/x की वैल्यू कितनी? 25 में 2 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। वैल्यू कितना आ गया सर? 27 आ जाएगा। हमसे क्या x +1/x पूछा है? नहीं, हमसे स्क्वायर पूछा है। हम स्क्वायर बताएंगे, यानी हम इसका स्क्वायर करेंगे। और जब भी पावर को डबल करते हैं तो इस संख्या का स्क्वायर 27 के स्क्वायर में से क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। 27 का स्क्वायर 729 होता है, 2 घटा दो, यहां पे 727 आएगा। तो इस तरीके से कायदे वाला मेथड देखोगे तो 727 आएगा, और मात्र 1 सेकंड वाला मेथड देखोगे तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसलिए ये तीनों ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, डी फॉर देवसेना, डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। वापस से देखिए सर, वापस से एक और सवाल सीएचएसएल में पूछा गया, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है जिससे सीएचएसएल में सवाल आते हैं, एमटीएस में आता है, सीपीओ में आता है, सीजीएल में आता है, और वहीं घूम फिर कर पावर दो पूछेगा। क्या बोलोगे? बोलोगे सर क्या दिया है, क्या फर्क पड़ता है? सर क्या फर्क पड़ता है क्या दिया है? कौन पूछता है कि क्या दिया है? हमें तो बस ये पता करना है दिया पूछा क्या है, पूछा पावर दो है, वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर है। ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है तो हो नहीं सकता। इसमें दो जोड़ोगे तो परफेक्ट बनेगा नहीं, इसमें दो जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, इसमें जोड़ोगे तो 13 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर है। सीखा कुछ नया या नहीं सीखा? सीखा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों काम करना है। बेल नोटिफिकेशन, बेल आइकन को नोटिफाई कर दो, रोज रात 8:30 बजे मेरी क्लास चलती है, रोज रात 8:30 बजे हाजिरी लगाओ, ठीक है। पेपर में 50 में 50 दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, ठीक।
आ गया आंसर, अब बताओ सही है। अब देखो जितने बच्चे ने आंसर दिया यहां पर 167, उन सब का आंसर गलत है, उन सब का आंसर गलत है, आपके कट जाएंगे -2.5। अब आपके -2.5 क्यों कटेंगे, अब हम आपको बताते हैं आपके -2.5 क्यों कटेंगे। आपने इस सवाल में देखा x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी 13 और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा, ठीक है। आप हमारे बहाव बहाव में चले गए, आपने कहा कि सर दो जोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, दो जोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, वही आंसर होगा, ठीक। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन ही बताने के लिए ये सवाल आपके सामने डाला गया है। आप जरा इस सवाल में देखिए, आपको कहा गया है कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 13 है, ठीक है। अब आप जरा एक्स का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है, दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर लगाना है, दोनों साइड क्या लगाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा तो 1 अपॉन a स्क्वायर, और फिर यहां पर कितना होगा तो -2 * x * 1 अपॉन x बराबर कितना होगा 13 का स्क्वायर 169। अभी देखते चलो गड़बड़ कहां पर हुआ है, x से x को काट दो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, बराबर 169 में ये दो चला जाएगा तो आंसर आएगा 171। तो जितने बच्चों ने आंसर दिया था 167 उन सबको मुबारक हो, आपको मिलते हैं -2.5 क्योंकि इसका करेक्ट आंसर कितना है 171 है, इसका करेक्ट आंसर 171 है ना कि 167। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, ठीक है, हम तो वही आंसर को टिक कर रहे थे जहां पर दो घटाने या दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर था, तो वो हम तब कर रहे थे मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो, जब हमें पावर माइनस, देखो जहां पर वैल्यू हमें प्लस देकर प्लस पूछा था, जब माइनस देकर प्लस पूछेगा ना, जब माइनस देकर प्लस पूछेगा, जैसे देखो पावर यहां प्लस में दिया गया है और हमें प्लस में निकालना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दिए गए ऑप्शन में दो जोड़कर निकाल देते हैं। लेकिन जब पावर रिवर्स केस में पूछे, जैसे माइनस दे दिया और आपसे प्लस पूछ दिया, उस केस में आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, दो घटाकर चेक करना होता है कि दो घटाने पर कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल देखो यहां पर। अब कुछ हम रिवर्स केसेस की बात करते हैं, कुछ हम रिवर्स केसेस की बात करते हैं, जैसे हमारा रिवर्स केस ये हो गया, ठीक है। अब तक हमने जितने सवाल देखे उसमें क्या देखा, हमने हमने ये देखा कि हमारा जो पावर था ना, x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा, x का पावर 4 प्लस वन अपॉन x का पावर 4 पूछा, या अलग अलग पावर्स पूछे। लेकिन सोचो, जैसे मानो अब तक आपने जितने भी सवाल देखे CHSL के, CGL के जो भी थे, आपका कुछ सवाल ऐसा था कि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू 4 है तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू बता दो कितना होगा, या x का पावर 4 प्लस वन अपॉन x का पावर 4 बता दो कितना होगा। लेकिन अब जो सवाल आप देखोगे वो उल्टा देखोगे, आपको ऐसा सवाल दिया जाएगा कि आपको इसका वैल्यू मानो 194 दे दिया और आपको इसका वैल्यू पूछेगा, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, कैसे आंसर करोगे। पावर 4 की वैल्यू देके पावर 1 की वैल्यू पूछेगा पेपर में, या पावर 2 की वैल्यू पूछ के पावर 1 पूछेगा। अब ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, तो प्यारा सा कंसेप्ट समझते हैं, प्यारा सा कंसेप्ट क्या होगा वो देखिए, समझिए। आप बोलेंगे सर देखो एक छोटी सी बात को सीखो कि जब हम x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू, मानो यहां पर हमने कहा कि हमारा वैल्यू 3 है, ठीक है, और हमने क्या किया है, इसके पावर को डबल किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाला है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि सर इसके स्क्वायर में से क्या कर दीजिए, इसके स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, यानी आंसर आ जाता है 7। वापस से जब हम पावर 2 का डबल करते हैं, पावर 2 का डबल करते हैं यानी पावर 4 निकालते हैं, तो पावर 4 निकालते हैं तो फिर वापस से क्या करते हैं, इस संख्या के स्क्वायर में से 2 कम कर देते हैं, यानी आ जाता है 47 आ जाता है ना, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया तो 47। यानी हमने ये बात देखा कि जब हम पावर को डबल कर रहे होते हैं तो ऊपर वाले दिए गए वैल्यू के स्क्वायर में से 2 कम कर देते हैं, ठीक है, ये हमने सीखा। अब अगर हमें उल्टा केस दे दिया जाए, और उल्टा केस क्या दिया जाए, उल्टा केस जैसे हमारा सवाल ऐसे आ जाए कि अब हमारा क्वेश्चन ऐसे हो कि एक्स का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 47 है, तो आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, जिसको कहते हैं रिवर्स केस माय डियर, ठीक है। यहां पर पावर अब क्या होगा, आधा, और जब पावर आधा होगा तो सवालों को हम कैसे बनाएंगे ये सीखना बहुत जरूरी है। पावर डबल होता है तो स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, अब पावर आधा हो रहा है
पावर आधा हो रहा है, यानी आप समझो कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, तो आप यहां उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हो। अब यहां पर देखो, तो आप क्या करते थे, दो घटाते थे और स्क्वायर करते थे। आपको यहां पर क्या करना है, आपको दिए गए संख्या में अब दो घटाना नहीं है, दो जोड़ना है, दो घटाना नहीं है, दो जोड़ना है, और स्क्वायर नहीं करना, रूट लगाना है, स्क्वायर नहीं करना, रूट लगाना है। यानी जब भी हम पावर को आधा करते हैं तो दिए गए वैल्यू में दो जोड़कर रूट लगा देते हैं, दिए गए वैल्यू में दो जोड़कर रूट लगा देते हैं। 47 में दो जोड़ो 49, 49 का रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहां पर जब पावर 2 का आधा, पावर 2 का आधा पावर 1 होता है, पावर 2 का आधा पावर 1 होता है, पावर 2 का आधा पावर 1 होता है, तो क्या करेंगे, वापस से 7 में दो जोड़कर क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यह बात हमें सीखना है अच्छे तरीके से। इसलिए देखो यहां पर x + 1 / x की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, और यहां पर भी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो जब हम पावर को आधा 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 करते चलेंगे तो दो जोड़कर रूट लगाते चलेंगे, दो जोड़कर रूट लगाते चलेंगे, ठीक है। जैसे आप इस सवाल को देखिए, एक और सवाल आपके सामने मैं आपको दे रहा हूं। आपसे मैंने कहा कि x का पावर 4 + 1 / x का पावर 4 वैल्यू कितनी है, 194। आप मुझे बताओ कि x² + 1 / x² की वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा मेरे भाई, आंसर बता दो कितना होगा, जल्दी से बता दो। बहुत शानदार, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बताओ कितना होगा आंसर। आंसर कितना आएगा, आप बोलेंगे सर देखिए पावर 4 का आधा पावर 2 है, तो कुछ नहीं करिए, इसमें 2 जोड़िए और रूट लगा दीजिए, 2 जोड़िए और रूट लगा दीजिए। 196 का रूट कितना होता है बताओ, 14। आंसर कितना आएगा, 14। 14 इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार। बस जब पावर अपने आप का आधा होता चलेगा तो दो जोड़कर रूट लगाते चलेंगे। क्लियर है ये बात आपको, बताइए जल्दी से। चलिए आ जाइए अगला सवाल, एक और देखिए। पावर 2 का आधा कितना होता है, पावर 2 का आधा 1 होता है, पावर 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। अब वापस से पावर आधा हो रहा है, वापस से पावर आधा हो रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से दो जोड़कर रूट लगा देंगे, यानी 14 में वापस से दो जोड़िए 16, 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जरा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, CHSL 4 जुलाई 2019, ठीक है। पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तभी करवा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। x का पावर 4 + 1 / x का पावर 4 की वैल्यू है 2207, बोला है x + 1 / x की वैल्यू कितना है। पावर 4 से पावर 1 पर आना है। देखो ये सवाल ऐसा है जो CGL में पूछा गया है, कहां कहां पूछा गया बता दे रहे हैं, CGL में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है, MTS में पूछा गया है, CPO में पूछा गया है, और मेंस में पूछा गया है। और इस सवाल को हल करने का सबसे बेस्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, दो जोड़िए रूट लगाइए, दो जोड़िए रूट लगाइए, दो जोड़िए रूट लगाइए, बस। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। आप बोलेंगे सर देखो कितना आसान काम है, x का पावर 4 + 1 / x का पावर 4 कितना दिया गया है, तो बोलोगे सर 2207। पावर 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है, 4 का आधा 2 होता है, कुछ नहीं करना, इसमें 2 जोड़ेंगे 2207 में, और क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। 2207 में 2 जोड़ो कितना होगा, 2209, और 2209 किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई, बताओगे जल्दी से, तो बोलोगे सर 47 का स्क्वायर होता है, ठीक। यानी x² + 1 / x² कितना हो गया, 47। फिर पावर 2 का आधा क्या होता है, पावर 2 का आधा पावर 1 होता है। वापस से क्या करो, जब पावर को आधा कर रहे हो तो इसमें दो जोड़कर रूट लगा दो मेरे दोस्त, 47 में दो जोड़ोगे 49, 49 का रूट कितना होगा, 7 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई बता दो, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आएगा। क्या बात है, रिवर्स मेथड, बिल्कुल सही। दीपक राय, रूपाली जयपुरा, मुकेश कुमार, सरिता धनखड़, 4 नंबर आप लोग आज अपने पक्के करने वाले हैं अपने पेपर में, यह मेरा गारंटी है आपसे, ठीक है। अगला सवाल वापस से CHSL 4 जुलाई 2019 को, x का पावर 4 1 / x का पावर 4 1442 दिया गया है, बताइए, ठीक है। इस सवाल को रहने दो, इस सवाल में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये सवाल बनाओ जल्दी से, ये सवाल बनाओ, x का पावर 4 + 1 / x का पावर 4 14159 दिया गया है, x + 1 / x की वैल्यू बताइए, x + 1 / x की वैल्यू कितनी होगी, x + 1 / x की वैल्यू कितनी होगी बता दीजिए जल्दी से, x + 1 / x की वैल्यू कितनी होगी बताइए। बोलेंगे सर देखिए कितना आसान सवाल है, पावर 4 से किस पर जाना है, पावर 4 से पावर 1 पर जाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़कर रूट लगा देंगे, तो 141, ठीक है। देखो आप यहां पर
बड़ा डेटा देखकर डर जा रहे हो, बड़ा देखकर डर, तो डरना ही नहीं है। पावर चार की वैल्यू कितनी दी गई है आपको अभी हम दिखा देंगे। 14159 कितना दिया गया, 14159। पावर चार का आधा क्या होता है, पावर चार का आधा पावर दो होता है। पावर चार का आधा क्या होता है, पावर दो। कुछ नहीं करना, क्या होता है, पावर दो होता है। इसमें दो जोड़ेंगे, इसमें दो जोड़ेंगे तो 14159 में दो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 141.61। और क्या लगाना है, रूट। अब ये 141.61 किसका स्क्वायर होता है, 141.61 किसका स्क्वायर होता है, तो जरा आप अपने बुद्धि का प्रयोग करो। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये 100 से, देखो जैसे मानो मैं आपको 100 से ऊपर का स्क्वायर निकालने का ट्रिक सिखाता हूं। ट्रिक सीखेंगे सर आप, ट्रिक कैसे सीखेंगे, देखिए जैसे मानिए मैंने कहा कि आपको यहां पर 101 का स्क्वायर निकालना है, आपको 104 का स्क्वायर निकालना है, आपको 109 का अगर स्क्वायर निकालना है, आपको 107 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, आप कैसे निकालेंगे, 100 से बड़ी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मात्र एक सेकंड में कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना। ये देखो 100 से कितना ज्यादा है, बोलोगे सर 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसको इसमें जोड़ दो, ठीक है, यानी 107 है ना, तो 107 में 7 जोड़ दो, 107 में 7 जोड़ोगे आ जाएगा 114। और ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। एक लाइन में आंसर आ गया, मात्र एक सेकंड में आपने स्क्वायर निकाल दिया। दोबारा से सुनिए मेरी बात को, ये 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर 7 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसको इसी में जोड़ दो, 107 में 7 जोड़ोगे 114 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49। उसी तरीके से अगले संख्या क्या आप बताइए, आप बोलेंगे सर ये 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 109 में 9 जोड़ दीजिए, 109 में 9 जोड़ेंगे तो बोलेंगे 118, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे, एकदम सेकंडों सेकंडों में निकालने वाला तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप यहां पर देखो, जैसे मानो अगर मैं 117 का निकाल रहा हूं, यहां पर मैंने क्या देखा, यहां पर मैंने देखा 141 के करीब में मुझे जाना है, ठीक है। अब 141 के करीब में जाना है तो मानो यहां पर 119 का स्क्वायर एक बार देखते हैं, क्यों, क्योंकि 9 के स्क्वायर के इकाई के स्थान पर ही यहां एक मिलता है। अब 119 100 से कितना ज्यादा है, बोलोगे सर 19 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, तो इसमें क्या करोगे, वापस से 19 जोड़ दो, 119 में 19 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 138, कितना आ जाएगा 138। और 19 का स्क्वायर कितना होता है जनाब, 19 का स्क्वायर 361 होता है, कितना होता है, 361 होता है। हमें सिर्फ यहां पर दो अंक रखने हैं और इसको इसको दे देना है दान में, 138 तीन लेकर बन जाएगा 14161, 14161। तो क्या हम कह सकते हैं कि 14161 किसका स्क्वायर है, तो 119 का स्क्वायर है, ठीक है, किसका स्क्वायर है, 119 का स्क्वायर है। जैसे मानो अगर मुझे यहां पर 113 का स्क्वायर निकालना है, अब 113 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा है, बोलोगे सर 13 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसको इसी में जोड़ दो, यानी 13 को इसमें जोड़ दो, 113 में 13 जोड़ोगे तो आ जाएगा 126। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। हमें सिर्फ दो अंक अपने पास रखने हैं और ये इसको दान में दे देना है, 126 एक लेकर 127 बन जाएगा, 69 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहां पे। तो इसी तरीके से हमने देखा कि 14161 किसका स्क्वायर है, 119 का स्क्वायर है, यानी 141 किसका स्क्वायर है, तो 119 का स्क्वायर है। तो हमने कहा यहां पर सर देखिए, हमें पावर 4 से पावर 2 पर आ गए, पावर 4 से पावर 2 पर कैसे आ गए, इसमें 2 जोड़कर रूट लगा दिया। अब पावर 2 से किस पर आ जाएंगे, पावर 2 से पावर 1 पर आ जाएंगे, वापस से क्या करेंगे, 2 जोड़कर रूट लगा देंगे, 119 में 2 जोड़ोगे 121, और 121 का रूट कितना होगा, 11, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अब आ जाइए कुछ नया कांसेप्ट आप लोगों को सिखाते हैं। नया कंसेप्ट क्या है, इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है और सिर्फ एक सेकंड में ऐसे सवाल बनाए जाते हैं, एक सेकंड में एक स्पेशल केस आप सीखने वाले हैं और वो स्पेशल केस आपको बहुत सारे सवालों को हल कराने में मदद करेगा। वो स्पेशल केस क्या होगा, आप लिखिए अपने कॉपी में तुरंत और लिखेंगे क्या, स्पेशल केस ऑफ, स्पेशल केस ऑफ कितना मेरे भाई, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो। और जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो होता है, जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो होता है, इस बात को मन में ठान लीजिए, उस केस में आपके x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि सोचो जब x की वैल्यू 1 होगी तभी तो 1 में 1 जोड़ने पर 2 आया होगा, तभी तो 1 में 1 जोड़ने पर 2 आया होगा। और इसमें क्या क्या सवाल पूछा जाता है वो देखो, आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, जितने भी पिछले 5 सालों में सवाल पूछे गए वो हम आपको दे रहे हैं। यदि x plus 1 upon x की वैल्यू 2 है तो पहला सवाल पूछा गया था कि x square plus 1 upon x square की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। दूसरा सवाल पूछा गया था x का पावर 2021
प्लस एक्स का पावर 2027, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तीसरा सवाल पूछा गया, एक्स का पावर 7 प्लस एक्स का पावर 9 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स क्यूब कितना होगा, बताओ। एक बच्चा भी बोलेगा सर क्या सवाल दिया आपने, ये प्रीवियस ईयर का कोई सवाल है, कुछ भी तो है नहीं, बताओ। जब हमारा यहां पर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 होता है, हम बोलते हैं सर एक्स की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। दूसरा वाला सवाल, 1 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो क्या फर्क पड़ता है, तो 1 का पावर 2021 यानी आएगा 1, फिर 1 का पावर 2027 यानी आएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से 1 का पावर 7 यानी 1, 1 का पावर 9 यानी 1, 1 का पावर 1, ठीक है, और यहां पर भी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो ये पेपर में आपका पूछा जाता है, ये एक स्पेशल केस है, कब, जब x + 1 / x की वैल्यू 2 होती है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सीपीओ में पूछा गया, देखिए सवाल पूछा गया आपके किस में, सीपीओ में पूछा गया है, क्या पूछा गया कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। बहुआ सवाल है, बताओ। बोलोगे अरे मजाक कर रहे हो क्या तुम मेरे साथ, बताओ। 1 प्लस 1 बराबर 2, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, आंसर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, काम खत्म भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे सेम तरीके से, जब a प्लस a, ठीक है। अब यहां पर दूसरा केस, जैसे कि आपने देखा यहां पर, और आपने क्या देखा कि जब हमारा x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 होता है, तो उस केस में x की वैल्यू कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। अगर सोचो कि यहां पर 2 ना देकर आपका एग्जामिनर माइनस 2 दे दे, तो क्या करोगे, ठीक है। तो दूसरा वाला केस बन जाता है, जब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 2 होती है, ठीक है। तो यहां पर दो केसेस होते हैं, दोनों केसेस को ध्यान से लिखो, आमने सामने लिख रहा हूं। जब आपका x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 होता है, देन याद रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, x की वैल्यू 1 होती है, तभी 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। और जो दूसरा केस है वो क्या है, जब आपका x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितना हो, माइनस 2 हो। जब आपका x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितना हो, माइनस 1 हो, तो उस केस में आप बोलेंगे सर x की वैल्यू कितना होता है, माइनस 1 होता है। तभी तो माइनस 1 और माइनस 1 मिलकर कितना बनाएगा, माइनस 2 बनाएगा। दोनों के दोनों कंसेप्ट पर सवाल आए हुए हैं, इसमें पर भी और इस पर भी। इस पे सीपीओ का सवाल आया था जो मैंने करवाया है, और अभी इसका सवाल देखो सीएचएसएल में पूछा गया है। जैसे ये सवाल है सीएचएसएल में पूछा गया है, सबसे फ्रेश क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 में, इससे लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब आप इस सवाल को देखो तो बोलोगे सर ये सवाल कहीं ना कहीं वो माइनस वाला कंसेप्ट है, कैसे, तो आप इस 2 को दाहिने साइड में भेज दीजिए। जब आप इस 2 को दाहिने साइड में भेजेंगे तो बोलेंगे सर a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, माइनस 2। और जब a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू माइनस 2 होगी, यानी a की वैल्यू कितनी होगी सर, माइनस 1, a की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1। मेरी बात समझ में आ गया दोस्त, बोलोगे हाँ सर। अब मुझे बताओ माइनस 1 का पावर, ठीक है, माइनस 1 का पावर जो है वो कितना होगा, तो बोलोगे सर माइनस 1 का पावर 15, ठीक है। माइनस 1 अपॉन माइनस 1 का पावर कितना, 100। आपको पता है कि जब आप माइनस का पावर ऑड करते हो, एग्जांपल के तौर पे आप मेरी बात को समझो, जैसे एक सवाल सिंपल फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं कि यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू जो है वो माइनस 2 है, तो मेरा पहला सवाल आपसे, पहला सवाल कि x का पावर जो है वो 100 बताओ, और दूसरा सवाल x का पावर 101 बताओ। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि x का पावर 1000, ठीक है, 1012 ऐसे करके, और ये हो जाएगा 1013। आप ये तीन सवालों का आंसर बताओ, तीनों सवाल का आंसर कितना होगा, आप क्या बोलोगे। बोलोगे सर देखो यहां पर आंसर बताना है, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है। जब इसकी वैल्यू माइनस 2 होती है तो x का वैल्यू कितना लेते हैं, x का वैल्यू माइनस 1 लेते हैं। और याद रखना माइनस 1 का पावर जब ऑड होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 का पावर जब भी इवन होगा तो आंसर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि माइनस 1 का पावर जब इवन होता है ना दोस्तों वो स्क्वायर करता है, और स्क्वायर का हमेशा माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो हमेशा प्लस ही आता है। इसीलिए अब यहां पर देखो तो पावर क्या है, तो बोलोगे देखो प्लस वाले में तो झंझट है ही नहीं, झंझट किस में है, माइनस वाले में। और माइनस वाले में बस इतना झंझट है कि हमें यह देखना है कि पावर ऑड है कि इवन है। अगर पावर ऑड होगा तो माइनस में आंसर आएगा, अगर पावर इवन
इवन होगा तो प्लस में आएगा। हमने कहा पावर इवन है, यानी माइनस का पावर इवन, और माइनस का पावर इवन कितना आंसर देगा, प्लस वन आंसर देगा। उसी तरीके से यहां पर देखिए, पावर ऑड है कि इवन है, तो बोलेंगे सर ऑड है, यानी माइनस वन का पावर ऑड, और माइनस वन का पावर ऑड क्या देगा, तो माइनस वन आंसर देगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ तीसरा, माइनस का पावर इवन, तो माइनस का पावर इवन प्लस वन देगा, माइनस का पावर ऑड यानी माइनस वन देगा, और वन माइनस वन से आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। कंसेप्ट समझे आप, यानी जब हमारा x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू माइनस दो देगा तो हमारे इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। हमें देखना है पावर अगर इवन हुआ तो वन आएगा, ऑड हुआ तो माइनस वन। तो हमें बताइए ये जो CHSL में आपका सवाल पूछा गया था, आप खुद देखिए, बोलेंगे सर a प्लस वन अपॉन a की वैल्यू कितनी है, तो माइनस टू है, a प्लस वन अपॉन a की वैल्यू माइनस टू, यानी a की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस का पावर ऑड, माइनस का पावर ऑड, अब माइनस का पावर खुद बताओ ऑड होगा तो क्या होगा यहां पर, तो बोलोगे सर यहां पर माइनस वन आएगा, माइनस का पावर ऑड यानी माइनस आएगा, इस माइनस को रहने दो, और माइनस का पावर इवन यानी क्या आएगा, वन आएगा, तो माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चे जीरो बता रहे थे सब गलत बता रहे थे, ध्यान रखो। ठीक है, तो हमें इस बात का बस ध्यान रखना है, माइनस का पावर ऑड माइनस वन, माइनस का पावर इवन प्लस वन। ठीक है, वन माइनस वन खत्म। चलो आ जाओ सेम तरीके से यहां पर सवाल देखो, अब ये प्लस वाला क्वेश्चन है, जब p प्लस वन अपॉन p की वैल्यू दो हो तो p इंटू पी कितने वैल्यू होगी। देखो दोस्त, पिछले एक घंटे से लगातार बिना कोई मस्ती किए, बिना कोई मजाक किए, बिना कोई चुटकुला बोले, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, आपके 60 मिनट की वैल्यू मैंने दी है, 60 मिनट लगातार बेहतर से बेहतर कंसेप्ट बताया है, तो आपका बस इतना प्यारा सा फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर करो हर जगह पे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं डेली लाइव रहा करूं, ऐसे ही कंटेंट लेकर आया करूं, बहुत मेहनत लगती है सवालों को टाइप करने में, पीपीटी बनाने में, वो पूरा का पूरा थिंकिंग जो है वो एक घंटे डालने में, और उससे कई गुना ज्यादा मेहनत यहां लगता है आकर कमरे में अकेले यहां चिल्लाकर एनर्जी डालकर आप लोगों को पढ़ाने में। इसमें किसका फायदा है, प्योरली आपका फायदा है, ताकि आपका सिलेबस पूरा हो, आपका नंबर आए, आप इंस्पेक्टर बनो। तो बस अगर कर सकते हो मेरे लिए तो बस इतना करो कि वीडियो को हर जगह शेयर कर दिया करो। आप लोगों के शेयर की वजह से बहुत ऐसे बच्चों का बेनिफिट हो रहा है, और वो इस जो 60 दिन 60 मैराथन की सीरीज है उससे जुड़ रहे हैं और वो बेनिफिट कमा रहे हैं। ठीक है, उनका बेनिफिट हो रहा है, वो पढ़ रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है पेड बैच लेने की, वो इस सीरीज से माध्यम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम जो है इस वीडियो को शेयर करो। आपको खुद नहीं पता कि आपके शेयर करने के बाद कौन सा स्टूडेंट था जिसको जरूरत थी और वो इस सेशन के साथ जुड़ जाए। इसीलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि हर जगह वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, शर्माने की कोई बात नहीं है, अगर मैं इतना शर्माता तो मैं कैमरे के आगे कभी पढ़ाता ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात यहां पर। चलिए, तो a प्लस वन अपॉन a की वैल्यू कितना है, दो है। ये तो आपका प्यार है जो आप व्यक्त करोगे, यही तो गुरु दक्षिणा है जो आप मुझे दे रहे हो। ठीक है, तो बस यही काम करो। a प्लस वन अपॉन a की वैल्यू दो है, यानी उस केस में p की वैल्यू कितनी होगी, वन। तो वन इंटू वन इंटू वन आंसर कितना होगा, बोलोगे वन सर। CHSL का पूछा गया सवाल, मात्र एक सेकंड में आंसर कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो वापस से, धड़ाधड़ इतने क्वेश्चन हमारे सामने हैं। बोला गया है x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू दो है, इसका आंसर बताओ कितना होगा। ठीक है, ये सब सवाल मैं आपको अलग से दे दूंगा, आप अलग से कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL का कुछ पावर तीन के ऊपर। अब यहां पर एक प्यारा सा कंसेप्ट देखेंगे, यहां पर भी एक प्यारा सा कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा प्यारा सा कंसेप्ट होगा। बताइए x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू रूट थ्री, जब x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू रूट थ्री होती है तो एक प्यारा सा कंसेप्ट आपके पेपर में पूछा जाता है, बताइए उसका आंसर क्या देंगे आप। ठीक है, x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू रूट तीन होगी, तो हमारा बोला है x का पावर 18, x का पावर 12, x का पावर 6 और x का यहां पर 1, आंसर कितना होगा बताओ। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बताइए। देखिए, आप बोलेंगे सर देखो एक कंसेप्ट होता है, जिस तरीके से x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू दो होती है वो कंसेप्ट है, उसी तरीके से आपका एक और कंसेप्ट होता है x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू रूट तीन। x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू रूट तीन होती है तो क्या होता है, x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू रूट तीन होगी तो क्या होगा, आप एक काम करो इसका क्यूब निकालो। तो इसका क्यूब निकालोगे तो बोलोगे सर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो एन क्यूब माइनस तीन एन। देखते चलो, एक बहुत प्यारा रिजल्ट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। एन का क्यूब का मतलब क्या होगा, रूट तीन का क्यूब। रूट तीन का क्यूब क्या होता है, तीन रूट तीन होता है। माइनस कितना होगा, तीन इंटू रूट तीन। माइनस कितना होगा, तीन इंटू रूट तीन बराबर जीरो। यानी आप बोलेंगे कि सर एक्स का पावर तीन
प्लस वन अपॉन एक्स का पावर तीन कितना आ गया, तो जीरो आ गया। अब वापस से इसमें क्या करो, यहां पर एलसीएम ले लो, तो यहां पर एलसीएम ले लोगे तो एक्स के पावर तीन में एक्स का पावर तीन यानी एक्स का पावर छ प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स का पावर तीन बराबर कितना होगा, जीरो होगा। फिर वहां से जब कॉल करोगे तो एक्स का पावर छः प्लस वन बराबर कितना, जीरो, तो एक्स का पावर छः कितना आएगा, माइनस वन आएगा। एक्स का पावर छः कितना आएगा, माइनस वन आएगा। ये हमारा रिजल्ट आया। हमें क्या ध्यान रखना है, अब ये समझिए, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हमारा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रूट तीन होता है तो एक्स का पावर छः कितना आता है, माइनस वन। और इसके चलते क्या प्रभाव पड़ता है, अब आप देखो आपका एग्जामिनर क्या करता है, पिछले कई सालों से वो ये काम कर रहा है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितना दे दे रहा है, रूट तीन दे दे रहा है। और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे पता है क्या बोलता है, आपसे बोलता है एक्स का पावर 24 प्लस एक्स का पावर 18 प्लस एक्स का पावर 12 प्लस एक्स का पावर 6, इसकी तुम वैल्यू पता करो, इसकी वैल्यू कितनी होगी। कई सालों से वो ये जो है घटिया काम कर रहा है, पेपर में पूछ के एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रूट तीन देके ऐसे पावर पूछ रहा है। अब अगर आप इस सवाल को गौर से देखोगे, जैसे मानो जो फाइंड करना है, आप ये दो टर्म को गौर से देखिए, आप बोलेंगे सर इसमें x का पावर 18 कॉमन लिया जा सकता है, जब x का पावर 18 कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा x का पावर 6 और यहां बच जाएगा यहां पर कितना, तो यहां बच जाएगा 1। उसी तरीके से जब यहां पर बोलेंगे तो इसमें x का पावर 6 कॉमन लिया जा सकता है, 6 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x का पावर 6 और प्लस यहां पर बच जाएगा 1। जैसा कि आपको पता है कि जब x प्लस 1 अपॉन x रूट 3 होता है उस केस में आपको अच्छे से पता है कि देन x का पावर 6 कितना होता है, तो माइनस 1 होता है। x का पावर 6 कितना होता है दोस्तों, तो माइनस 1, यानी माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 यहां पर और प्लस 1 ये मिलकर कितना बना देंगे, 0। 0 को किसी के साथ गुना करोगे, 0। तो हमने जो रिजल्ट निकाला वो क्या निकाला, अब मजे की बात है, अब फतेह की बात है, अब हमें सीखना है। और क्या सीखना है, हमने यहां पर यह सीखना है कि जब भी हमारा एग्जामिनर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रूट तीन देगा तो पावर 6 के अंतर वाले सभी संख्याएं आपस में कट जाएंगे, यानी इनके बीच में अंतर 6 का है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नाश कर देंगे। इनके बीच में 6 का है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नाश कर देंगे। मेरी बात को समझे या नहीं समझे आप बता दो जल्दी से। एक और सवाल देखो, ये सवाल कितना भयंकर रूप लेगा आपका, लेकिन फिर भी आप बोलोगे सर क्या सवाल है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रूट तीन है और आपका एग्जामिनर क्या देता है, आपका एग्जामिनर बोलता है एक्स का पावर 2024 प्लस एक्स का पावर 2018 प्लस एक्स का पावर 1, 2, 1, 3, 4 प्लस एक्स का पावर 1, 2, 1, ठीक है, 3, 4 ना करके आप ऐसे कर लो 30, 1, 2, 1, 2, 4 प्लस एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 12, बोलेगा बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। बोलेगा अरे ससुरा का सवाल पूछा ही, बताओ कौन सवाल है, हमको अच्छे से पता है कि जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रूट तीन होती है तो पावर 6 के अंतर वाले जितने भी टर्म होते हैं एक दूसरे को काट देते हैं, इनका अंतर देखो तो 6 का है, 18 में 6 जोड़ोगे 24 आएगा, ये इसको नाश कर देगा पूरा का पूरा, 24 में 6 जोड़ोगे 30 आएगा खत्म कर देगा इसको, 6 में 6 जोड़ोगे 12 आएगा खत्म कर देगा, तो आंसर कितना होगा, अंडा होगा, आंसर कितना होगा, अंडा होगा, बात खत्म। तो जब भी ये वैल्यू रूट तीन होती है तो पावर 6 के अंतर वाले कितने होते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जीरो आता है। उसी तरीके से यहां पर देखो x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू रूट तीन थी, ठीक है, और हमसे CHSL के परीक्षा में पूछा क्या, हमसे पूछा x का पावर 18, x का पावर 12, x का पावर 6 और x का पावर 1। अब आप बोलोगे सर क्या घटिया सवाल पूछ दिया बताओ, ठीक है, इससे घटिया सवाल ही नहीं था, 18 वाला 12 वाले को खत्म कर देगा, x का पावर 6 की वैल्यू माइनस वन होती है, इसकी वैल्यू प्लस वन होती है, माइनस वन प्लस वन मिलकर जीरो बना देगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए फॉर आओ कभी अवेली पे, ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। खतरनाक जवाब मेरे भाई, क्या बात है, मजा आया, बताओ कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है अलजेब्रा, कैसा लग रहा है अलजेब्रा बताओ, 2000 लाइक कर दो जल्दी से, 2000 लाइक कर दो, 2000 लाइक अभी करो जल्दी से पहले, फिर थोड़ा आगे बढ़ा जाए, थोड़ा हम भी सांस ले लें, बताओ मजा आ रहा है, जीसा मिल रहा है, बताओ 2000 लाइक कर दीजिए, ये हमारा वैलेंटाइन हो जाएगा। आगे बढ़े, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखे, गजब, नाइस, मस्त, जबरा, बेस्ट, मजा आ गया, जिसा आ गया, क्या बात है, जल्दी से 2000 लाइक करो,
मस्त, धुआंधार, खतरनाक। चलो ये 2000 चाहिए जल्दी से, तभी आगे बढ़ा जाएगा। रोज रात 8:30 बजे क्लास चलती है, रोज रात 8:30 बजे, रोज रात 8:30 बजे लाइव रहना है, सभी को रहना है। इसी तरीके से कल की क्लास और जबरदस्त बताऊंगा, आज की क्लास से बताए हैं 4 नंबर कैसे लेके आने हैं। कल की क्लास में बताऊंगा कि जो मेंस के सवाल हो गए और साथ में जो अलग थोड़े से आढ़े टेढ़े क्वेश्चंस हो गए जो प्री में पूछे जाते हैं, उनको कैसे हल करोगे। पहले ये पूरा करो, 2000 लाइक, किसी भी तरीके से 2000 लाइक चाहिए भैया, ठीक है, जल्दी से पूरा करो 2000 लाइक। मजा आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो कल का सेशन भी और खतरनाक होने वाला है, आ जाओ। अब अगला सवाल देखो, ये सवाल एक ऐसा जो आपके मेंस में पूछा गया, कुछ नई चीजें दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा गौर से, सीजीएल के Tier 2 में पूछा गया है, गौर से देखते रहो। सवाल क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन 16x की वैल्यू इतनी है, ये पूछा गया है। उसी तरीके से यहां पर देखो तो ये सवाल सीजीएल के प्री में पूछा गया है, फिर उसके बाद आप यहां पर देखो तो वापस से ये सवाल सीजीएल में पूछा गया है, फिर उसके बाद देखोगे तो ये सवाल सीएचएसएल में भी पूछा गया है। मतलब अभी जो हम आपको कैटेगरी कराने वाले हैं, जो हम लास्ट में हथियार बचा कर रखे थे, वो एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा टाइप है जो सीएचएसएल में पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया, सीपीओ, सीजीएल, सीजीएल के मेंस में हर जगह पर पूछा गया। अगर पूछा गया तो क्या इस कैटेगरी को छोड़ना उचित है? नहीं उचित है, यानी इसको करेंगे, इसको सीखेंगे, ताकि हम इनमें से कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमारा बेनिफिट हो। यानी सबसे पहले इस कैटेगरी के सवाल को सीखना है तो समझना पड़ेगा कि हमारा सवाल या हमारा एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। देखते रहिए, कभी ये सवाल सीएचएसएल में आ जाता है तो अगले साल तुरंत ये सवाल सीजीएल के मेंस में आ जाता है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस सीखना है। अब ऐसे सवालों में क्या होता है मेरे भाई, कोफिशिएंट का हेरफेर होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे सवालों में अजब 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 अलग अलग चैनल्स हो गए या अलग अलग किताबें हो गई, बहुत सारे अलग अलग ट्रिक दिए होते हैं। लेकिन क्या होता है कि मेरा मानना ऐसा है कि आप ऐसे ट्रिक को फॉलो करिए जिससे आप अपने परीक्षा के दौरान कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, किसी भी तरह का क्वेश्चन में आए, कोई भी टाइप आ जाए तो कंफ्यूजन ना रहे। तो बस आपको एक काम करना है, आप यहां देखिए तो Power 1 है, क्या है सर, तो Power 1 है, और यहां क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है। जब Power 1 से स्क्वायर पूछा है ना, तो ये देखने की कोशिश मत करो यहां 2a है और यहां a है, कुछ मत देखो। मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है मेरे कंसेप्ट को लेकर, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो इससे बेहतर आपको कुछ और लगेगा नहीं। आप बस ये देखिए कि यहां पर स्क्वायर किया गया, आप स्क्वायर कर दीजिए, आप बैलेंस मत करिए, पहले आप स्क्वायर करिए। आप जब यहां पर स्क्वायर करेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो हमें दिया गया है 2a+1/a, 2a+1/a की वैल्यू कितनी है, तो 4 है। स्क्वायर करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर क्या देता है, 2a का होल स्क्वायर क्या देगा, तो 4a² देगा। 1/a का होल स्क्वायर क्या देगा, तो 1/a² देगा। प्लस यहां पर a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 2a है, और b की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 1/a है। बराबर होगा किसके, 4 के स्क्वायर यानी 16 के। अब देखो यहां पर तो बोलोगे सर 4a², ठीक है, +1/a², ये a से हमारा a खत्म हो जाएगा, बराबर 16 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 14। 16 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 14। लेकिन मेरे भाई आप यहां पर देखो बस सवाल में, तो आपसे यहां पर 4a² नहीं दिया गया है, आपका सवाल में यहां पर a² दिया गया है। आपका आया कितना है, तो आपका आया, ठीक है, 16 में से 4 गया तो 12 आएगा ना, माफ करेंगे, 16 में से 4 गया तो 12 आएगा। अब आप बस ये देखिए कि आपका यहां 4a² है और आपके क्वेश्चन में a² है, यानी 4 को 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुछ मत करो, लास्ट में आप क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। जब आप इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा a², इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1/4a², और इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3। तो जो हमसे पूछा गया था उसका आंसर कितना है, उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो सबसे बढ़िया तरीका निकालने का क्या हो गया, सबसे बढ़िया तरीका निकालने का ये हो गया कि अगर हमें जो भी दिया गया है और हमें स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद आपका सवाल कुछ इस तरीके से लास्ट में होगा। अब तब यहां से आप कंपेयर करिए, यहां 4a² दिया है और वहां a² दिया गया है, इसका मतलब आपको दिए गए सवाल को 4 से भाग करना है, 4 से भाग करेंगे। इससे और भी बहुत बहुत शॉर्ट ट्रिक है जो
हम आपको बताएंगे तो आप सवाल को चुटकी में निकाल लेंगे, लेकिन उससे आपका कुछ नहीं होगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा। इस सवाल को करने का मेरे पास एक सेकंड वाला मेथड भी है, लेकिन फिर उससे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, जैसे अगला सवाल आएगा फिर वापस कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए तो वैसा घटिया अप्रोच ना लगाएं। जैसे ये सवाल वापस से देखिए, सीजल के मेंस में पूछा गया है, मतलब इस सवाल की कुछ औकात है। अगर औकात है तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मानो ये क्वेश्चन दिया गया है, अब ये हमारा इक्वेशन दिया गया और हमें ये बोला गया है पता करने को, कोई बात नहीं, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन को आप x से डिवाइड करिए, जब आप इसको x से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे सर इसको x से डिवाइड करो, 2x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो 2x हो जाएगा, 7x में x का भाग लगाएंगे 7 हो जाएगा, और 5 में x का भाग लगाएंगे तो 5 बटे x हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। फिर यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, यहां पर हो जाएगा ये 5 अपॉन x, और ये माइनस 7 उधर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। हमारा कुछ इस तरीके का इक्वेशन आया। हमें फोकस ही नहीं करना है कि हम पहले बैलेंस करें, हमारा फोकस ये होना चाहिए। यहां पर देखो पावर 2 दिया गया है, मतलब हमें स्क्वायर करना है। हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, बस आंख बंद करके स्क्वायर करो और कुछ मत करो, बस स्क्वायर करो। 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बोलोगे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। 5 बटे x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 बटे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर कितना है, तो 2x है, बी के स्थान पर कितना है, तो 5 बटे एक्स है, और बराबर होगा किसके, तो 7 का स्क्वायर यानी 49 के। कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ध्यान रहेगा ये बात, कुछ ना करें सर, जो बता रहा हूं बस वो करें, बाद में देखेंगे कि आप इस सवाल को कितने आसानी से बना पाए बिना ज्यादा ताम झाम के। ठीक है, बिना ज्यादा ताम झाम के आप इस सवाल को बना पाएंगे, सेकंडों में देखते रहिए। ठीक, अब आपको यहां पर समझ में आ गया एक बात कि ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 25 बटे एक्स स्क्वायर। आपको समझाने के लिए हम इतने लंबे में लेके जा रहे हैं, आप इससे और शॉर्ट में कर सकते हैं। एक्स से आप एक्स को खत्म कर दीजिए, 5 का दोगुना 10, 10 का दोगुना 20, तो 49 में से 20 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। अब आप यहां सवाल में देखो तो एक्स स्क्वायर है और यहां पर 4x स्क्वायर है, मतलब हमें अपने सवाल को क्या करना है, तो ये 4 हटाना है, मतलब हमें 4 से भाग लगाना है। 4 से भाग लगाना है तो कुछ मत करो, वापस से इसमें 4 से भाग लगा दो, इसमें 4 से भाग लगाओगे x स्क्वायर बन जाएगा, इसमें 4 से भाग लगाओगे 25 बटे 4 x स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें 4 से भाग लगाओगे 29 बटे 4। 29 बटे 4 का मतलब कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। मजा आया, चाहे वो CHSL का सवाल हो चाहे वो CGL के मेंस का सवाल हो, कांसेप्ट एक ही है। आप एक इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन देखो स्क्वायर करना है तो बस आप स्क्वायर कर दो, कुछ मत करो, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद लास्ट में पावर को बैलेंस करने की कोशिश करो। 90% बच्चे ये करते हैं, शुरू में ही पावर को बैलेंस करने में झंझट झमेला पाल लेते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक, एक और सवाल देखो ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसे सवालों में। ठीक है, एक और सवाल देखो CHSL का, वापस से सवाल में देखो, उल्टा पुल्टा कुछ भी दे रखा है, जैसे यहां 4 है लेकिन 5 का स्क्वायर है, यहां 5 है लेकिन 4 का स्क्वायर है। ठीक है, आप कुछ फोकस मत करिए, आप बस ये देखिए यहां पर क्या है, तो पावर 1 है और यहां पावर 2 है, आप पावर 1 वाले का ही स्क्वायर कर दीजिए। देखिए आपको करना ही नहीं है, बहुत जगह बताया जाता है यहां पर क्या करो कि 5 बटे 4 से गुना कर दो, उतना फोकस मत करो, यहां स्क्वायर करना है ना, तो बस स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 4 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, तो बोलोगे सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 ए स्क्वायर, देखते चलो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 ए स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे सर 1 बटे 25 ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ए का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए के जगह पर कितना है, तो बोलोगे 4a है, और b के जगह पर कितना है, तो 1 अपॉन 5a है, बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, a से हमारा a खत्म। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 16 ए स्क्वायर प्लस 1 बटे 25 ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, 8 बटे 5, तो 16 में से कितना घटाना है, 16 में से 8 बटे 5 घटाना है, ये 8 बटे 5 उधर घटेगा। अब आप देखेंगे तो बोलेंगे सर यहां पर 25 ए स्क्वायर है और यहां 16 स्क्वायर है, 16 को हमें 25 बनाना है, 16 को क्या बनाना है, 25 बनाना है। ठीक है, 16 को 25 कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप यहां बोलेंगे कि सर यहां सबसे पहले क्या कर दो, 16 से भाग कर दो, क्या कर दो, 16 से भाग कर दो, और 16 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा 16 से भाग करके 25 से गुना लगा दो, यानी हमें क्या करना,
करना है, हमें 25 बटे 16 से इसको गुना करना है, ठीक है, हमें इस पूरे के पूरे संख्या को 25 बटे 16 से गुना करना है। तो हमारा आंसर भी यहां जो भी आएगा ये क्या हो जाएगा, 25 बटे 16 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। क्यों, पहले 16 को 16 से भाग करेंगे ताकि एक बन जाए और फिर 25 के साथ गुना लगाएंगे। अब आप देखो तो बोलोगे सर 16 इंटू 25 बटे 16, ठीक है, माइनस 8 बटे 5, माइनस 8 बटे 5 इंटू 25 बटे 16। यहां पर देखो आंसर आ गया आपका, बात खत्म। आप बोलोगे सर क्या है, तो देखो 16 से 16 खत्म यानी कितना हो गया 25, 8 से आपका दो बार में खत्म, 5 से आपका पांच बार में खत्म, 5 बटे 2 यानी 25 में से 5 बटे 2, तो 25 का 2 गुना 50, 50 में से 5 गया 45 बटे 2 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 बटे 2। ध्यान रखिए इस बात का, शुरू में चाहते तो शुरू में बैलेंस कर लेते, बाद में चाहते तो बाद बैलेंस कर लेते, ये आपके ऊपर था, ठीक है, तो ये आपके ऊपर था। अब ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम आपको कहां पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये पीडीएफ आपको अभी जस्ट तुरंत टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगा। कल वापस से जो क्लास लगेगी वो 8:30 बजे लगेगी, वापस से लाइव रहना है, डेली क्लास ये चला करेगी, रोज रात 8:30 बजे, रोज रात 8:30 बजे आपकी ये क्लास चलती है जबरदस्त तरीके से, जिसमें आप बहुत नए नए कंसेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और वीडियो पर कमेंट करिए। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ जरूर आप डाउनलोड करके रखिए, जितने भी मेरे मैराथन्स हुए हैं सभी मैराथन्स के पीडीएफ को लगाइए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का सबसे बेस्ट कंपाइलेशन है। ये वो मोस्ट रेलिवेंट सवाल है, जैसे कॉलेज के टाइम में नहीं होता था कि वो 5 सवाल पढ़कर जाता है आदमी, जिसमें से पक्का होता है कि 4 सवाल तो आने ही आने, मतलब ये वही 60 दिन 60 मैराथन का पीडीएफ होगा, जिसमें से आपका 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 70-80% आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो पीडीएफ हमारे दोनों टेलीग्राम है, दोनों से डाउनलोड कर लेंगे, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, पूरा सीक्वेंस वाइज अब तक पूरा पीडीएफ है। अगर एक टेलीग्राम पर ना मिले तो दूसरे पर जरूर सर्च कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कि अगर आप क्लास नंबर 1 से अब तक पूरा देखना चाहते हैं तो वो पूरा देख लीजिए, ठीक है। और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप बताइए क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमारे एनर्जी में कमी नहीं रहेगा, दो दिन हम भले क्लास ऑफ हो सकती है लेकिन जब भी पढ़ाऊंगा ना भाई, तो सबसे बेस्ट और सबसे रेलिवेंट कंटेंट ही पढ़ाऊंगा आपके परीक्षा के लिए, उसमें कमी कभी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। ये मेरे खून में है, जो मार्कर हमने पकड़ा है ना, ये टीचिंग, ये मेरे खून में बसा हुआ है, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। सही पढ़ाना है, जेन्युइन पढ़ाना है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाना है, कभी ये नहीं सोचना कि फ्री है, पेड है, क्या है क्या नहीं है, पूरा मिलेगा आपको। इसके साथ जो हमारा नया बैच आया, बहुत बच्चे तब से बैच के बारे में पूछ रहे थे, तो नए बैच के बारे में हम आपको बता दें, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, ये हमारा प्यारा सा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत, देखेंगे आप, इस पर हमारा नया बैच आया है चैंपियंस 3.0। और चैंपियंस 3.0 जो है वो नेक्स्ट ईयर के जितने भी एग्जाम्स हो गए, इस साल के एग्जाम के लिए नहीं, जो अप्रैल और मई में एग्जाम है उसके लिए नहीं, अगले साल के एग्जाम्स के लिए जीरो से लेकर हीरो लेवल तक एकदम बेसिक से बड़े प्यार से सुंदर तरीके से आपका सिलेबस कवर अप करवाने के लिए ये बैच है। इस बैच को आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से डाउनलोड करके ले सकते हैं, इसकी फीस 899 है और इसमें आपको पूरा का पूरा ये जो है बेनिफिट मिलेगा, अनलिमिटेड वैलिडिटी, ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, जिसका कभी एक्सपायरेशन नहीं होगा, ठीक है। सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चन होंगे, टाइप वाइज होगा, लेवल वाइज होगा, पूरा का पूरा फ्री पीडीएफ मिलेगा। अभी ये बैच आपका 14 फरवरी आपके वैलेंटाइन वाले दिन जो है वो लॉन्च हुआ है, अभी दो क्लासेस हुई हैं, जिसमें आप जाकर, एक क्लास हुई है जिसको आप जाकर डेमो के तौर पर देख सकते हैं, 11 बजे एडवांस मैथ चल रहा है और 4 बजे अरिथमेटिक चल रहा है, ताकि सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा जो बच्चे हैं जो टारगेट कर रहे हैं इस साल के सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, वो भी पूछ रहे हैं कि सर हमारे लिए बताओ, या एनटीपीसी के सीबीटी 2 के लिए कोई बैच बताइए, तो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया या आपका इस बार का सीजल सीएचएसएल हो गया, उसके लिए आपका वीओडी बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बैच ले रहे हैं तो आप वो बैच लीजिए जो आपका सिलेबस ऑलरेडी जिसमें कंप्लीट है, तो मैथ वीओडी बैच जिसमें मैंने पूरा मैथ पढ़ा रखा है, ठीक है, एक आधा टॉपिक इसमें है तो वो अपलोड जल्दी हो जाएगा इस महीने के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसको मैं फ्रेश कंटेंट अपलोड करना चाहता हूं, जो नया कंटेंट हो गया, नया मटेरियल हो गया, तो वो आप यहां से ले सकते हैं। वीओडी की फीस कम है, 699 है, सिर्फ उतनी है जितना इसका मटेरियल का कॉस्ट है,
प्री प्लस मेंस पूरा का पूरा मिलेगा, इसकी भी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी और ये आपके प्री और मेंस दोनों में सहायक होगा। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से इंस्टॉल करेंगे, साथ में कोई भी इंक्वायरी होगा ये दो दिए गए नंबर पर फोन करके पूछ लेंगे। आपके लिए सीएचएसएल और सीजीएल के लिए सबसे बेस्ट बैच ये होगा जिनको इस सीजीएल और सीएचएसएल के पहले पूरा सिलेबस खत्म करना है, और बाकी जो बिगिनर्स स्टूडेंट है जिनको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है उनके लिए ये बैच है। साथ में इसी तरीके से हमारा कॉम्बो भी है मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का। यहाँ पर इंडिविजुअल टीचर की बात करें तो 900 900 900 2700 है, लेकिन अगर आप कॉम्बो लेंगे तो आपको 2100 में पड़ जाएगा, वो भी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से है। तो आप यहां से देख लेंगे, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, पीडीएफ में कमी नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस जरूर कर लेना ठीक है। और यहां पर अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर वीडियो में छोड़ देना, बताना कि वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आज के सेशन में, अगले सेशन में आप क्या चाहते हो, मैं हर किसी के कमेंट पढ़ता हूं ठीक है। आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।